रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स की फंक्शनिंग सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होती है। एसी कैसा सोर्स हो गया? अल्टरनेटिंग, जिसमें लगातार जो करंट फ्लो कर रही होगी सर्किट में उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी, क्योंकि सोर्स की पोलैरिटी बदलती है। तो सोर्स की पोलैरिटी बदलने से करंट की डायरेक्शन सर्किट में बदल रही है। लेकिन हम लोग जो जनरली जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वो आप देखें वो डीसी सर्किट पे काम करते हैं। तो डीसी सर्किट पे काम करने का मतलब यह है कि हमें तो सप्लाई एसी मिल रही है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डीसी में, मतलब एक तरफा फ्लो करंट का होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग जो वो एडाप्टर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांसफार्मर होता है, है ना, ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो एसी को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद उसे रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। रेक्टिफाई का मतलब उस एसी को जो मिल रहा है हमें आउटपुट में, अब उसको डीसी में कन्वर्ट करना, तो वहाँ ये रेक्टिफायर इस्तेमाल होते हैं। तो देखें डिजाइनिंग कैसे होती है रेक्टिफायर्स की। रेक्टिफायर में दो प्रकार के रेक्टिफायर की बात होगी आपके लेवल पे, वो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखें फंक्शनिंग, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे फंक्शन करता है। ये है सर्किट, सिंपल सा सर्किट होता है। ये जो रेक्टिफायर है इसमें एक डायोड लगा हुआ है, ये इनपुट है सर्किट का जहां पे हम इनपुट वोल्टेज देंगे, और यहां पे आउटपुट हमें मिलेगा रेक्टिफाई होके। कैसे काम करेगा देखें, जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकिल, उसकी हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब है कि यहाँ पे अल्टरनेट तरीके से यहाँ पे पोलैरिटी बदलेगी। तो चले मान लें हम इसका यूज करना शुरू करते हैं, तो एक हाफ साइकिल उठाते हैं, जैसे पॉजिटिव ये वाली, तो इसको उठाया हमने, तो ये फंक्शनिंग जब कर रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पोलैरिटी ये प्लस और ये माइनस मिली, तो होगा क्या कि जैसे ही ये प्लस और माइनस होगा, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो ये देखें फ्लो हुआ, और ये अलाउ भी करेगा, क्योंकि करंट जो जा रही है वो इसी के डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ये अलाउ करेगा। नतीजा ये आउटपुट में ये देखें करंट मिलने लगे। तो यहाँ पे ये जो करंट मिली है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल भी मिल गया, पोटेंशियल ड्रॉप, वही आउटपुट की तरह काम करेगा, ये आउटपुट हो गया इसका। तो ये वाली हाफ साइकिल यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि अब नेक्स्ट हाफ साइकिल जब ऑपरेटिव होगी यहाँ पे, ऐसे देखें, ये देखें, तो अब पोलैरिटी बदल जाएगी। अब पोलैरिटी बदली तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अब करंट इस पॉजिटिव से ऐसे होते हुए नेगेटिव पे जाना चाहती है, लेकिन अब ये अलाउ नहीं करेगा, रोक देगा, क्योंकि रिवर्स हो गया ये वाइजिंग। तो अब ये करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो फ्लो ना करने का मतलब है कि यहाँ आउटपुट में अब करंट मिली नहीं, आउटपुट में करंट ना मिलने का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं मिलेगा वो वाला। तो वो वाली जो हाफ साइकिल है यहाँ एब्सेंट हो जाएगी, निगेटिव वाली, तो ये एब्सेंट हो गई है, ये नहीं मिल रही है, ओके। अच्छा, फिर आगे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर ऑपरेटिव होगी, ये देखें। तो ये वाली जब साइकिल ऑपरेटिव होगी यहाँ पे, तो फिर पोलैरिटी जो है ये प्लस माइनस ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे सीधी पोलैरिटी, फिर करंट ये अलाउ कर देगा, ठीक है। करंट अलाउ हो गई, यहाँ पे देखें आउटपुट में करंट मिली और ये साइकिल ऑपरेटिव हो गई, आउटपुट में मिल गया। और फिर फाइनली अगर मान ले जैसे देखा जाए तो ये निगेटिव फिर ऑपरेटिव होगी, तो फिर वही हैपनिंग होनी है कि जब ये निगेटिव साइकिल ऑपरेटिव होगी तो फिर करंट रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हर निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे रोक दी जाएगी, वो आउटपुट में नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे मिल रही होगी। और पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ जो करंट जा रही होगी वो करंट सिर्फ एक तरफा फ्लो लेगी, है ना। इस आउटपुट में हमेशा करंट इसी डायरेक्शन में ऐसे मिलेगी, प्लस से माइनस, ये वाले यहाँ, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा तो ये करंट, तो यही देखें आउटपुट मिल जाता है। अब ये देखें रेक्टिफाई हो गया, रेक्टिफाई का यही मतलब है कि आउटपुट में करंट एक ही डायरेक्शन में हमेशा मिलती रहे। बहुत सिंपल सर्किट होता है ये, रेक्टिफायर यही कहलाता है। हाफ वेव क्यों बोला गया इसे? हाफ वेव इसलिए, ये कंप्लीट वेव है, आप देखो एक कंप्लीट वेव हुई, इसका हाफ वेव ही तो मिल पाया। अब ये जानते हैं ये एक प्रॉब्लम है, हाफ वेव होने से क्या है कि आउटपुट डिस्टर्ब हो गया, मतलब जैसे इनपुट जो था, इनपुट में क्या था कि कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही थी, आउटपुट में कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं मिल रही है। ये एनर्जी मिली फिर इतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो गई एनर्जी, मतलब ये ऑपरेटिव नहीं रहा, करंट ही नहीं आई इस लोड में,
ये जो लोड है इसमें करंट ही नहीं मिल रही है, फिर इस हाफ साइकिल में करंट मिली, इसमें नहीं मिली, तो एनर्जी जो है, एक तो यहां मान ले जैसे कोई अगर सोर्स आप कोई लगाओगे ऐसे, जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए ऐसे अज्यूम करें कोई बल्ब है ना, तो अगर मान ले इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो इनपुट की, तो फ्लिकर करेगा वो। फ्लिकर करने का मतलब है कि जितनी देर एनर्जी मिलेगी उतने देर वो ग्लो करेगा, जितने देर एनर्जी नहीं मिली उतने देर वो ग्लो करेगा ही नहीं, फिर ग्लो करेगा। तो ये आउटपुट जो है बेसिकली पूरा नहीं मिल पाया, एनर्जी का लॉसेस है तो, और परफॉर्मेंस भी पुअर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत यूज नहीं होता है। तरीका ये होता है कि अच्छा रेक्टिफायर तब कहा जाएगा जब पूरी की पूरी साइकिल ऑपरेटिव हो, ये भी यूज हो जाए, तो उसके लिए भी आएगा। फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसको भी बनाएंगे हम लोग, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग है, ठीक है। तो इसमें ये हुआ है कि पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑपरेटिव हुई तो ये मिल रहा है, और जब यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ ऑपरेटिव हो रही है तो ये मिल नहीं रहा है, एबसेंट हो जा रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, अब आती है बात इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करने की, कंपेरिजन। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है, कैसे देखें। पीक ईएमएफ इनपुट का ये ई नॉट, ये पीक ईएमएफ है, और ये देखें ये एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो होगी ना एवरेज वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू आप जानते हो, आरएमएस वैल्यू जो है वो ई नॉट बाई रूट टू। अब यहाँ कंपेरिजन होता है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं जो आउटपुट मिल रहा है उसमें क्या फर्क है। तो खैर पीक वैल्यू तो वही मिलनी है ई नॉट यहाँ पे फिलहाल, तो ये देखें ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एवरेज वैल्यू यहाँ पे क्यों आ जाएगी भाई, इसलिए कि एवरेज जब आप यहां पे निकाल रहे थे तो जीरो क्यों हो रहा था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, तो वो डायरेक्शन हम कंसीडरेशन में ले रहे थे ना, तो इसलिए जीरो, तभी तो आरएमएस लेते हैं, है ना। अब ये जीरो आ रहा है तो यहां पे, लेकिन हुआ क्या कि यहां निगेटिव वाला तो खत्म हो गया है तो सिर्फ पॉजिटिव रहा, तो ये जीरो तो हो नहीं पाएगा, इसलिए इसमें एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो आपको इसको याद करना है, है ना, पूछ लेते हैं। सीधे क्वेश्चन होता है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर फंक्शनिंग कर रहा है तो बताएं आउटपुट का एवरेज क्या होगा। पीक वैल्यू तो वही है ई नॉट, एवरेज ये लिख दें, याद करेंगे ई नॉट बाई पाई, ये कैलकुलेटेड है, वही याद है, वो इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग जो है वो जो एवरेज निकालना आरएमएस वैल्यू निकालना सिखा रहे, तो वहीं पे उसी तरीके से फाइंड किया जाता है ग्राफ के जरिए। खैर आपको याद करना है सिर्फ, ओके, आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू, यहाँ पे मालूम है आपको, यहाँ आरएमएस वैल्यू ही बदल जाएगी। आरएमएस वैल्यू यहाँ पे ई नॉट बाई टू होती है, ये देखिए कम हो गई है इस वैल्यू से, वो कम है। कम क्यों है, आरएमएस वैल्यू से ही तो एनर्जी नापी जाती है ना, तो यहाँ एनर्जी तो कम हो गई है। अगर आप यहाँ पे इतना इतना एबसेंट हो गया ना, तो उससे ये कम वैल्यू है ई नॉट बाई टू, तो आरएमएस वैल्यू भी कम हो जाती है, इसीलिए कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है ये। तरीका यह था ना कि कम से कम हमें आरएमएस, देखें सर्किट जो ऑपरेटिव किससे होता है, आरएमएस वैल्यू से, तो आरएमएस वैल्यू तो ना बदले, वो बदल गया इसीलिए बहुत यूज नहीं होगा। तो चलते हैं इसे अब सही करेंगे हम लोग, उसमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कंपेरिजन और, एक और कंपेरिजन है। ये जो रेक्टिफाई होकर जो हमें रिजल्ट मिलता है, इसमें जो ये साइकिल जो मिल रही है पॉजिटिव, इन्हें रिपिल्स बोलते हैं। रिपिल्स ये बार बार जैसे एनर्जी का उठना, बार बार ये उठना हो रहा है, ये जो है ये बेसिकली रिपिल्स कहलाते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि रिपिल्स की टाइम पीरियड नापा जाता है कि एक रिपिल के बाद दूसरा रिपिल कितने समय के बाद मिला क्यों जानते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर ये अच्छा रेक्टिफायर नहीं होगा तो रिपिल्स देर देर में मिलेंगे, टाइम पीरियड उनका ज्यादा होगा, ये मिला फिर कुछ समय के बाद मिलेगा दूसरा, तो रिपिल्स अगर देर में मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुअर रेक्टिफिकेशन है। जितना अच्छा रेक्टिफिकेशन होता है उतना ज्यादा रिपिल्स पास पास होते हैं, जैसे मान ले बीच में भी एक रिपिल आ जाता है ना, तो जल्दी जल्दी मिलता, तो ऑन एवरेज क्या होता है ना कि हमें वो फ्लिकर करने वाला जो है आउटपुट नहीं मिलता, एक कांस्टेंट तरीके का आउटपुट मिलने लगता हमें, ठीक है, वेरिएशन बहुत नहीं होता। तो रिपिल्स बहुत पास पास होने चाहिए, इसीलिए यहाँ टाइम पीरियड नापा जाता है रिपिल्स का। तो रिपिल का फिलहाल यहाँ पे टाइम पीरियड नापेंगे तो वो टाइम पीरियड आप देखो टी है, तो वही तो बना रहेगा यहाँ पे। ये टाइम पीरियड किसका है, ईएमएफ का जो है इनपुट का, वो टाइम पीरियड है, वो तो एसी है, एसी ये नहीं ना है, है ना, तो वो एसी का टाइम पीरियड कहलाएगा। और यहाँ पे ये जो टाइम होगा वही वाला तो होगा, उतना ही होगा, है ना, समय तो उतना ही लग रहा है, ये रिपिल का टाइम पीरियड होता है। तो रिपिल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कभी, तो अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे
तो जो फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड वहां पे इनपुट का और रिपिल का टाइम पीरियड सेम है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी हम कंपेयर करेंगे तो रिपिल की फ्रीक्वेंसी वही होगी रेक्टिफायर होने के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद, जो फ्रीक्वेंसी इस इनपुट वोल्टेज की थी। तो यहां पे वही कंपेयर कर लेते, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस मतलब ये इनपुट, ये अगर एफ है तो टाइम पीरियड का संबंध ये हो गया 1/T से, और यहां पे अगर रिपिल की बात करें तो रिपिल का अगर फ्रीक्वेंसी जो है एफ डैश है सपोज, तो इसका भी तो संबंध टाइम पीरियड से ही होगा 1/T से। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि चूंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है इसलिए दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मतलब क्वेश्चन में अगर मान ले कहता है कि एक यहां पे सोर्स लगाया गया 50 हर्ट्ज का इनपुट एसी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू गया ये, तो जो आउटपुट होगा उसमें रिपिल की फ्रीक्वेंसी बताएं तो सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वही 50 हर्ट्ज उसका भी 50 हर्ट्ज होगा। यह है फुल वेव रेक्टिफायर, देखें अब इंप्रूव्ड वर्जन है इसका हाफ वेव पे। ये सर्किट है इसमें दो डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं, देखते हैं यहाँ आउटपुट यहाँ लगाया गया है कैसे ये फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे जब हम ये हाफ साइकिल ऑपरेटिव होगी देंगे तो देखें ये पोलरिटी आई यहाँ प्लस माइनस, करंट फ्लो करेगी। अब करंट का फ्लो करना देखें, करंट ये बताएं कि करंट ये जो जा रही है ये इधर से क्यों मुड़ गई? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा कि करंट जब ये चलाएगा यहां से तो करंट का देखें, करंट को तो निगेटिव पे पहुंचना है यहां पे, तो चल तो देगी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, लेकिन जब यहां से होते हुए ये तो अलाउ कर देगा, अलाउ करेगा यहां से, जब यहां पहुंचेगी तो ये जंक्शन पे बटना चाहेगी वो, तो बटना था इसे लेकिन यहां पे ये अलाउ नहीं कर रहा है अपने आर्म में ये डायोड, तो करंट यहां पे बट नहीं पाएगी, तो पूरी की पूरी करंट इधर मुड़ जाएगी, मुड़ के वो अब भी लो पोटेंशियल पे यहां पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं यहां नहीं पहुंच पाई, ये भी तो लो पोटेंशियल है, इससे तो लो ही है, तो यहां पहुंच गए करंट। तो यहां पे करंट को घुमाया गया है इससे रोक के। अब देखें आउटपुट में करंट की डायरेक्शन देखें, ये चल रहा है ओके। अच्छा ये तो हाफ साइकिल मिल गया, तो यहां पे आउटपुट में ये हाफ साइकिल ये ऑपरेटिव हो गया ओके। अब दूसरा वो निगेटिव वाला हाफ साइकिल लेते हैं, निगेटिव लेंगे तो पोलरिटी बदल जाएगी यहां पे, अब करंट इधर से चलेगी। अब देखें करंट ये चल रही है, देखें यहां से ये मुड़ गई, क्यों भाई यहां से मुड़ क्यों गई? ये तो अलाउ कर दिया इसने, लेकिन यहां पे फिर ये बटना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इसने अलाउ नहीं किया, तो इधर से करंट तो जा नहीं पाएगी, तो करंट को ऐसे घूमना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये लो पोटेंशियल है यहां पहुंच गई। अब की बार देखें आउटपुट में, अब की बार भी करंट इसी डायरेक्शन में है लेकिन मिल तो गई ना, तो दूसरे हाफ साइकिल में भी करंट मिल गई है, और ये करंट की डायरेक्शन वो पहले वाले करंट की डायरेक्शन के सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आउटपुट मिलेगा वो उसी डायरेक्शन का मिलेगा जिस डायरेक्शन में पहले मिल रहा था। तो यहां पे आप दूसरी जो हाफ साइकिल है वो भी जो है आप सीधा करके बनाएंगे, पॉजिटिव हो गया। अब यही सिलसिला चलता रहेगा उसमें, तो फिर ये ऑपरेटिव होगा, फिर ये करंट ऐसे मिलेंगे इसमें, आप ये देखो ये करंट जाएगी, ये ऑपरेटिव हो गया ठीक है ना, ऐसे फिर से आप देखें ये ऑपरेटिव हो गया, और फिर वो हाफ साइकिल नेक्स्ट निगेटिव वाला ठीक है ना। आप हर बार देखो कि करंट की दिशा इसमें एक ही है, रेक्टिफिकेशन तो हो ही जाएगा, फुल रेक्टिफिकेशन होगा यहां पे। आप अगर एक साथ देखें इसे तो कुछ ऐसे होगा, ये देखें ये पहले वो पॉजिटिव वाला साइकिल ऑपरेटिव है, ये देखें ऐसे ठीक है, फिर वो निगेटिव साइकिल ऑपरेटिव है, देख रहे हैं ये यही डायरेक्शन थी, और फिर निगेटिव जो ऑपरेटिव हुआ तो इसमें यही डायरेक्शन है करंट की, तो रेक्टिफिकेशन तो कंप्लीट हो ही गया, इसमें आउटपुट में मिल गया, दोनों एक साथ देखें तो एक ही दिशा में करंट मिलने का मतलब है कि रेक्टिफाई हो गया ये ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें इनपुट और आउटपुट तो देखें इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो एवरेज तो जीरो होता ही है इसमें, यहां एवरेज अब बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा भाई? अब इसलिए बढ़ जाएगा, पहले तो यही दो थे ना, तो एवरेज आ रहा था, ई नॉट कितना आ रहा था, ई नॉट अपॉन पाई, लेकिन अब ऐसी और आ गई ना साइकिल्स यहां पे ऐड हो गई, तो ये देखें डबल हो गया। ये बहुत जरूरी है याद करना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये थ्योरेटिकल, इसमें न्यूमेरिकल की संभावनाएं बहुत कम होती है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान देना है ठीक है। तो ये आउटपुट हुआ, और आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू है, अब की बार आरएमएस वैल्यू वही मिल जाएगी,
सेम इसलिए होगी ना क्योंकि होगा क्या कि अगर देखें आरएमएस वैल्यू हम लोग निकालते कैसे थे, स्क्वायर क्यों किया जाता था, स्क्वायर देन एवरेज देन अंडरवुड, स्क्वायर जिससे साइन एक ही हो जाए, सब पॉजिटिव हो जाए। तो यार वही बात, तो अगर मान लें इसको आप पॉजिटिव कर दो तो ये बन जाएगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव तरीके से हम देखें कि सिर्फ पॉजिटिव है, वैल्यू पे काम करें, तो दोनों एक है। तो बात ये आ रही थी कि अगर ये सिर्फ पॉजिटिव पे काम करें हम, कि सब ये भी पॉजिटिव कर दें और ये पॉजिटिव है ही, तो दोनों एक जैसे हो गए, तो आरएमएस वैल्यू तो सेम हो जाएगी ना। पहले वाले केस में आरएमएस वैल्यू क्यों नहीं सेम हो रही थी, इसलिए क्योंकि इसमें ये एब्सेंट थे दो, लेकिन अब बिल्कुल सिमिलर है। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में जो आरएमएस मिलेगा वो सेम मिलेगा, इसीलिए ये बेहतर है रेक्टिफिकेशन। ये पूरा इसमें कोई चेंज नहीं आया, वो फंक्शनिंग जो होगी ना, जो आप लोड पे फंक्शनिंग देखोगे, जो ग्लो देखोगे या जैसे भी होगा, बिल्कुल वैसी होगा जैसे उससे हो रहा था एसी से, तो उसमें परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आएगा, तो ये बेहतर होता है। अच्छा, अब इसमें रिफिल्स की काउंटिंग कर लें टाइम पीरियड की, तो अब टाइम पीरियड और रिफिल्स तो जल्दी जल्दी मिल रहे हैं ना, तो अगर काउंटिंग करेंगे यहाँ पे तो रिफिल्स तो फास्ट मिल गए जल्दी जल्दी, तो बेहतर है। रिफिल्स जल्दी जल्दी मिलना जो है ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर वो टी है तो यहां कितना हो जाएगा, टी बाई टू, यस ये टी बाई टू हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी आप मेन एफ है वो वन अपॉन टी है, और अगर रिपल्स की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश है ना, वो वन अपॉन टी बाई टू यानी कि टू बाई टी, कंपेरिजन करेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। तो वही है कि अगर मान लें इनपुट 50 हर्ट्ज पे है तो फुल वेव रेक्टिफायर पे रिपल्स की फ्रीक्वेंसी 100 आएगी, 100 हर्ट्ज वैसा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही वही है, आप देखो हाँ, ए आई टेबिली में क्वेश्चन है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेंस फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपिल वुड बी 100 हर्ट्ज, ठीक ऐसे हो जाए। एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, टू इंटू 50 इज 100 हर्ट्ज। आपने अभी देखा कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सा रेक्टिफायर बेहतर था, फुल वेव, ठीक है। अब परफॉर्मेंस जो है, अगर ना और भी रेक्टिफायर आते हैं, और भी रेक्टिफायर आते हैं जिसमें और अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर रेक्टिफायर को हम चेक करें तो फिर उसमें रिपिल्स जो है जल्दी जल्दी जिसमें मिलेंगे उसमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो क्या कोई मैथमेटिकल तरीका होता है जिससे हम इनकी जो आउटपुट है उसको देख के किसी कैलकुलेशन के जरिए इस बात को पता लगा पाए कि भाई ये जो जितने रेक्टिफायर हमारे पास हैं उसे सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा है? तो उसके लिए एक टर्म है, रिपिल फैक्टर डिफाइन किया जा रहा है। रिपिल फैक्टर के जरिए अगर हम उस रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर निकाल लें तो उसके जरिए हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये रिपिल फैक्टर होता क्या है, देखें, रिपिल फैक्टर डिसाइड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर, कितना इफेक्टिव रेक्टिफायर है, कितना अच्छा रेक्टिफायर, रिपिल फैक्टर से पता चल जाता है। तो कैसे डिसाइड होता है, देखें, पहले तो आप परफॉर्मेंस देखो। जैसे मान लें हम कुछ आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखो ये आउटपुट जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर से लीस्ट इफेक्टिव है ना, ओके। एक और अभी आपने देखा फुल वेव रेक्टिफायर, ये आउटपुट था तो ये और ज्यादा इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर मान लें ऐसा एक रेक्टिफिकेशन हो, इसमें देखें रिपल्स और पास पास हैं, देख रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक। तो अगर ये हो जाए तब तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो गया, मोस्ट इफेक्टिव। तो ये तो देखने से आपको पता चल गया। इसमें देखें ये असल में क्या होता है ना, जो आउटपुट मिलता है वो हमें डीसी चाहिए, डीसी डीसी आउटपुट जो होता है वो बेसिकली उसमें सिर्फ ये नहीं कि एक तरफा करंट हो, एक रिक्वायरमेंट और होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का होता है वो, करंट जो होती है कांस्टेंट होती है। अच्छा आप देखो कि जैसे मान ले एक तरफा ये मिल रहा है, लेकिन कांस्टेंट करंट नहीं ना है। अब देखें करंट कहाँ कांस्टेंट है, ऐसे बढ़ती है घटती है फिर बढ़ती है घटती है, डीसी ये थोड़ी होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन फ्लो होने से थोड़ी हो जाता है, कांस्टेंट करंट मिलती रहे तब परफेक्ट डीसी कहेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ बेहतर हो गया, ये देखें आउटपुट जो होगा ना वो ऊपर ऊपर लेंगे ना ऐसे, तो ये देखें ये वैल्यू ये जीरो हो ही नहीं रहा, जीरो होने से पहले एक रिपिल आ जा रहा है। तो आउटपुट ये जो अपर वो है ना, ये सरफेस, इसको आप लो, ये कह रहता है आउटपुट। तो ये जितना स्मूथ होता जाएगा, जितने रिपिल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ये आउटपुट स्मूथ हो जाएगा, उतना ही बेहतर डीसी होगा,
इस तरीके से कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। तो इसको नापने के लिए एक टर्म होता है, एक फॉर्मूला है रिपिल फैक्टर का, वो देखें। तो ये रिपिल फैक्टर का जो फॉर्मूला है, इसमें जो लिखा हुआ है ये आरएमएस वैल्यू है, ई एवरेज है, ये एवरेज है, ये दिख नहीं रहा है साफ, ये एवरेज है। तो जो आउटपुट हुआ, जैसे रेक्टिफिकेशन हुआ, जो आउटपुट मिला उसमें दो बातें थी, एक तो ई एवरेज भी ले रहे थे हम लोग और एक ई आरएमएस। तो क्या करो, उन दोनों को यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो और रखने के बाद रिपिल फैक्टर कैलकुलेट कर लो। रिपिल फैक्टर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि रेक्टिफिकेशन अच्छा है या खराब है, ठीक है, पुअर है या बेहतर है, ठीक। तो उसमें कैसे नापते हैं देखें, अगर लीस्ट इफेक्टिव होगा है ना कोई आउटपुट जो है, तो उसमें जो रिपिल फैक्टर होगा, ये एक ध्यान दीजिएगा कि फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस द रिपिल फैक्टर शुड बी लेस, उल्टा होता है, जितना कम रिफिल फैक्टर होगा किसी आउटपुट में उतना ही बेहतर रेक्टिफायर होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये हाई रिफिल फैक्टर आएगा, उल्टा चलता है। अगर रिफिल फैक्टर ज्यादा हो गया, इसका मतलब जानते हैं क्या, रिफिल फैक्टर ज्यादा होने का मतलब रिपिल्स दूर दूर बन रहे हैं, परफॉर्मेंस पुअर है, और जैसे परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी रिफिल फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी, इसमें कम होगी लो होगा और इसमें लीस्ट होगा। अब मान लें जैसे कोई भी रेक्टिफायर उसका आउटपुट दिया है, आप उससे चेक कर सकते हो। जैसे मान लें अभी हम लोग दो रेक्टिफायर पढ़े जिसमें हम लोगों को ये वैल्यू मालूम है आउटपुट में, तो उनको चेक कर लेते हैं उनका रिफिल फैक्टर एटलीस्ट कितना आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो जैसे तो इसमें जो आउटपुट मिल रहा था उसमें ये था स्थिति, एवरेज और ये आरएमएस, ठीक है, इसको रख देते हैं। तो रिपिल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे ये, तो आप देखो ये वैल्यू रख दी, ये आरएमएस वैल्यू रख दी, ये एवरेज वैल्यू रख दी, इसे कैलकुलेट कर लिया गया है। ई नॉट कैंसिल होगा, पाई बाई टू होली स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, ये पूरा हो गया। तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आता है वैल्यू 1.21, ये वैल्यू ज्यादा है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है रिपिल फैक्टर की वैल्यू किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये याद करना है आपको, ठीक है, वहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे बैठ के, ये याद करेंगे, ठीक, 1.21 रिपिल फैक्टर, ओके। ये तो हाफ वेव का हो गया, फुल वेव का जरा देख लें, देखेंगे तो देखें ये आउटपुट ये था, एवरेज ये था, आरएमएस वैल्यू ये। तो इसको अगर हम फाइंड करें यहाँ पे रख के, तो देखेंगे ये वैल्यू जब रखेंगे तो ये कैलकुलेट होके आती है 0.48, देखिए कम हो गया, कम होने का मतलब इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो हाफ वेव फुल वेव पे जो रिपिल फैक्टर की वैल्यू है उसे याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत आसान है सब कुछ, बस दिमाग में रखिएगा, फंक्शनिंग भी बहुत आसान है, वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। एक और फुल वेव रेक्टिफायर, सर्किट जरा बदला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये, इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें आप देखो, इसमें जो डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो नहीं चार, फोर डायोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काम वही है इसका, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेगा, ये आउटपुट है ये इनपुट है, देखें कैसे परफॉर्मेंस होगी इसकी। तो कैसे आउटपुट में आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलता है, तो जैसे ये हाफ साइकिल ऑपरेटिव है, चलें इसमें ये लगाते हैं ये पोलैरिटी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ध्यान से देखिएगा फ्लो, समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों ऐसे हो रहा है, क्लियर हो रही बात, देखें कैसे यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव तो पहुंचना है ना करंट को, यहां से चली करंट, करंट यहां से जा रही है, यहां पे जब पहुंचेगी तो ये बटना चाहेगी, लेकिन ये रोक देगा इसे, अपोजिट पड़ गया, ये सपोर्ट करेगा तो करंट इधर फ्लो कर जाएगी। अब करंट फ्लो करके जब यहां पे पहुंचती है इस जंक्शन पे, तो फिर बटना चाहती है, लेकिन ये रोक देता है इसे, उल्टा पड़ गया, तो पूरी करंट इधर घूमेगी। जब ये करंट इधर घूम रही होगी तो उसकी टेंडेंसी इधर जाने की नहीं होगी, क्योंकि हाई पे नहीं जाना, उसे लो पे जाना है, तो रास्ता तो ये पकड़ेगी करंट, तो रास्ता ये पकड़ा इसने, इसने सपोर्ट कर दिया, यहां से होते हुए लो पोटेंशियल आउटपुट में, ये देखें डायरेक्शन मिल रही है, ठीक, ओके। दूसरा हाफ साइकिल ऑपरेटिव हो रहा है, देखो ये तो ये मिल गया, ठीक है, ये वाला हाफ साइकिल, अब इसके करस्पॉन्डिंग पोलरिटी ये मिली, प्लस माइनस करंट फ्लो करना शुरू कर रही है, देखें देखें इसे भी,
सिमेट्री है उसी तरीके से होगा जैसे पहला वाला था उसी तरह दूसरे डायरेक्शन से होगा करंट का फ्लो। अब देखो ठीक है, अब देखें क्या हुआ, यहां से ये करंट चली पॉजिटिव से, ये होते हुए जब यहां पे आई तो ये बटना चाह रही थी लेकिन इसने रोक दिया, है ना, इधर से फ्लो है ना, तो इसने सपोर्ट किया, इधर से करंट गई। यहां भी वही होगा, जंक्शन पे यह इधर नहीं जा पाएगी, अपोजिट पड़ गया है ये, इसे घूमना है करंट को, करंट घूमते हुए आउटपुट पे होते हुए इधर इसके सपोर्ट से ये सीधे निगेटिव पोटेंशियल पे यहां पे। अब आप ध्यान दो आउटपुट में दोनों डायरेक्शन की जो करंट है ना वो सेम डायरेक्शन में मिल रही है ना, तो कोई भी साइकिल ऑपरेटिव हो रहा है चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, करंट एक तरफा है, रेक्टिफिकेशन हो गया, फुल रेक्टिफिकेशन, ये है सर्किट इसका। ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिव हो गया, वही है कि अब पूरा साइकिल जो है ऐसे ऑपरेटिव होता रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर चाहे कैसा भी हो रिजल्ट्स वही होंगे उसके, जो इनपुट और आउटपुट की बात करें तो वही बनेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कभी ये सर्किट पूछ लेते हैं तो उसमें एक मैंने देखा है क्वेश्चन बनते हुए, उसमें जैसे ये देखें ये स्क्वायर फॉर्म में ये लगे हुए ना, हर साइड में ये डायोड लगे हुए हैं, तो उसमें एग्जामिनर क्या करता है कभी कि ऐसे ये बना देगा एक स्क्वायर ठीक, और उसमें डायोड लगा देगा, ठीक है लगा दिया, और पूछ लेगा कि बताएं कि उसमें किन डायगोनल्स पे इनपुट लगाएं और किस पे आउटपुट लगाएं। जैसे डायगोनल पे लगा हुआ आप देखो ये स्क्वायर जो है ना शेप, इसके एक डायगोनल पे ये डायगोनल है, इस पे इनपुट लगा हुआ है और दूसरे डायगोनल पे आउटपुट, तो उसमें एक तरीका है लगाने का कि ये नहीं कि कोई भी डायगोनल उठा के इनपुट या आउटपुट लगा देंगे, उसमें चेक करना पड़ता है कि किस में किस पर्टिकुलर में इनपुट लगे किस में आउटपुट। तो देखें उसकी पहचान का तरीका क्या है, फुल वेव जब रेक्टिफिकेशन हो रहा है और हाफ वेव में फर्क क्या है, हाफ वेव में ये हुआ था कि जब करंट को एंट्री दी जा रही थी तो उसमें ऐसे डायोड लगे हुए थे कि उसमें एक तरफ की करंट को अलाउ किया जा रहा था, दूसरे तरफ की करंट को वहीं रोक दिया जा रहा था बाहरी, ये हो रहा था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हुआ क्या कि चूंकि पूरी वेव इस्तेमाल करना है तो किसी भी करंट को रुकने नहीं देंगे क्योंकि फिर एनर्जी कैसे मिलेगी, तो उसमें सबसे पहली बात यह होती है कि जो इनपुट आप दो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में उसमें दोनों तरफ से करंट को एंट्री मिले, एक करंट को इधर से एंट्री मिल जाए तो दूसरे को इधर से एंट्री मिलनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब आप ध्यान दो यहां पे अगर इनपुट ऐसे लगाया जा रहा है तो ऐसे लगाया जा रहा है कि इसमें जो डायोड लगे हैं वो दोनों करंट को एंट्री दे रहे हैं, जैसे मान लें इधर से इस डायगोनल पर लगाएं तो ये रेड वाली जो करंट जा रही है ध्यान दीजिएगा ये करंट को इसने अलाउ कर दिया इधर से एंट्री मिल गई, और ये देखें ब्लू वाली जो करंट जा रही है इधर से उसको इसने अलाउ कर दिया, तो मतलब ये जो करंट जा रही थी ये दोनों करंट को ये देखें एंट्री मिल रही थी, ये दोनों डायोड सपोर्ट कर रहे थे। मान लें हम इनपुट इस पे लगा देते सपोज इधर, आप देखो नहीं हो पाता ये इनपुट यहां लगाओगे तो इधर से करंट भेजोगे तो ये तो अलाउ कर देगा, और इधर से करंट भेजोगे तो ये देखो अपोजिट पड़ गया। अब देख रहे हो आप इधर से करंट भेजो तो ये तो अलाउ कर देगा, इधर से जाएगी तो उल्टा पड़ गया एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसमें आप इनपुट लगा ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा उस डायगोनल पे इनपुट लगाइएगा जहां से करंट दोनों तरफ से एंट्री मिल जाए उसे, ये पहचान होती है। अभी अगर मान लें ऐसा सर्किट पूछते हैं तो ठीक है, बाकी दूसरा जो होगा वो अपने आप जो आउटपुट एक जब इनपुट मिल गया आपको तो दूसरा आउटपुट बन ही जाएगा, ये होता ठीक है। एक चीज और, कभी इसमें डायोड्स के नेम देके, जैसे आप देखो ये नेम दिया जा रहा है जैसे ये D1 D3, तो इसमें नेम देके इसमें पूछते हैं कि बताएं जब पॉजिटिव साइकिल ऑपरेटिव हो रही थी तो कौन कौन से डायोड जो है कंडक्टिंग थे, जब निगेटिव साइकिल ऑपरेटिव हो रही है तो कौन से कंडक्टिंग है। आप एक बात ध्यान दो कि कंडक्टिंग का मतलब जब अलाउ कर रहा हो करंट को, और कंडक्टिंग नहीं है तो अलाउ नहीं कर रहा होगा, तो इस समय आप देखो अगर ये रेड वाला जो साइकिल है ऑपरेटिव हो रहा है रेड वाली करंट को, तो ये वाली करंट जो इस तरह की पोलरिटी पे है पहले सीधी पोलरिटी पे, तो उसमें कंडक्टिंग कौन कौन से डायोड है, देखें ये रेड वाले को अलाउ कर रहा है और ये देखें, तो ये दोनों कंडक्टिंग है। जैसे मान लें नेम दें यहाँ पे तो D1 और D3, जैसे D1 D2 D3 D4 ऐसे होगा, तो ये D1 और D3 अगर नेम दे रहे हैं हम तो ये दोनों है ये कंडक्टिंग है इस समय इनके लिए रेड वाले जो हाफ साइकिल है उसके लिए, और जब ब्लू वाला जो हाफ साइकिल चल रहा है ना उसके लिए कंडक्टिंग कौन से हो रहे हैं ये दोनों,
ये डी टू और डी फोर नाम दिया है ना, तो उसके लिए वो वाले कंडक्टिंग होंगे। तो कभी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि बताएं कौन से हाफ साइकिल के लिए कौन से डायोड कंडक्टिंग है, तो जब आप करंट बनाओगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा उसमें। न्यूमेरिकल्स देखें, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्या है, फाइंड आउटपुट फॉर द गिवन रेक्टिफायर्स। अब इसमें आउटपुट आपको फाइंड करना है, क्या मतलब है इसका, देखें ये आपको देखने से लग रहा होगा कि दोनों जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, एक डायोड लगा हुआ है हाफ वेव है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये इनपुट दिया गया। अब इनपुट जो है वो एसी दे रहे हैं, उसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है ना, इसकी पीक वैल्यू दी है 10 वोल्ट, तो कह रहे हैं बताएं यहाँ पे आउटपुट कैसा मिलेगा। तो अगर मान लें जैसे ये साइकिल हमें दिया जा रहा है तो इससे हमें आउटपुट बनाना है, तो दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो हाफ वेव या फुल वेव, उसी हिसाब से हमें भी वेव वहां पे बनानी पड़ेगी रेक्टिफाई करके कैसा बनेगा। और दूसरी बात एक चीज और ध्यान देना है, ये जो वोल्टेज वैल्यू है क्या इतनी मिलेगी। आप ध्यान दीजिएगा ये सिलिकॉन और जर्मेनियम लगे हैं तो ये कुछ वोल्टेज अपने पास रखते हैं, ठीक है। देखें बहुत आसान आंसर है इसका, आसानी से बता दोगे ऐसी देख के, जैसे मान लें पहला हम केस लें तो इसका जो आउटपुट मिलने वाला है उसमें आप ध्यान दो, एक तो वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि 0.7 ये ले जाएगा सिलिकॉन है ना, तो जो बचेगा कितना बचा, हाँ तो वो 9.3 जो बचा उतना मिलेगा आउटपुट। तो एक तो ये होगा, दूसरी बात यहाँ पे पूरी साइकिल तो ऑपरेटिव हो नहीं पाएगी, तो हाफ साइकिल कौन सी, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, करेक्ट। ये जब ऑपरेटिव होगा तो ये प्लस और माइनस लोगे तो ये सपोर्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव वाले तो ऑपरेटिव हो जाएंगे जो डायरेक्शन दिख रही है, लेकिन ये निगेटिव वाले ऑपरेटिव नहीं हो पाएंगे, तो आउटपुट तो पता चलने लगा। अब आउटपुट आप डायरेक्ट बना दो यहाँ पे, तो आउटपुट जब बनाओगे तो ये 0.7 वोल्ट ये लेने वाला है, 10 वोल्ट यहाँ पे दिया गया, ये पोलरिटी मिली प्लस माइनस, ये साइकिल ऑपरेटिव हुआ, ये करेंट गई है ऐसे, तो यही मिलना है यहाँ पे। तो अगर मान लें जैसे फॉर टाइमिंग आपने ये वैल्यू निकाली, अगर आप कैलकुलेट करके सपोज निकालना चाहते हो, जैसे मान लें आपको किरचॉफ्स लगा के ही फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो ऐसे, देखें कि जैसे मान लें ये वी नॉट आपको वोल्टेज निकालना है, ये उस केस के लिए मान लें और भी रेक्टिफायर इसमें लगा दिए, मतलब और भी वो डायोड लगा दिए गए, तब की बात कर रहे हैं, तो मान लें आप सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा। आप देखें इन द लूप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें तो ये जो है ड्रॉप है, पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना, तो ये 0.7, ये देखें ये भी ड्रॉप है, कैसे पता चला, करंट की डायरेक्शन देखें, सपोर्ट मिलना है ना करंट का, तो ये वी नॉट लिख लें पॉजिटिव हो गया, इधर से जब घूम के आएंगे तो ये राइज हो गया तो -10, तो यहां से इज इक्वल टू 0, यहां से वी नॉट वैल्यू 9.3 आ गई, जो हम लोग ऐसे ही बता रहे थे जबानी, 9.3 होगा, और आउटपुट जो मिलेगा उसमें आप देखो कैसा होगा ये, क्यों ऐसा है भाई, ये वाले साइकिल मिलेंगे ये एब्सेंट हो जाएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर है, निगेटिव वाले एब्सेंट हो रहे हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू 9.3 क्योंकि सिलिकॉन ने 0.7 ले लिया, ठीक है, ओके। दूसरा वाला जो होगा इसमें, इसमें देखें ये उल्टा लगा हुआ है जर्मेनियम, तो एक तो ये अपनी वोल्टेज लेगा है ना, वोल्टेज कितना, ये 0.3 लेता है, तो आउटपुट मिलेगा 9.7, और साइकिल कौन सी मिलेगी, निगेटिव वाले मिलेगी, क्योंकि जब इधर प्लस और माइनस होगा उल्टा तब ये अलाउ करेगा, तो इसको ही बना लेते हैं, देखें ये 0.3 वोल्ट ये ले जाएगा, 10 वोल्ट मिल रहा है इनपुट, ऑपरेटिव ऐसे होगा, अब देखो ऐसे चले, ठीक है। तो वही है कि फिर आप किरचॉफ्स लॉ से आप निकाल सकते हो, ये माइनस इधर से चलेंगे ना, अब ये उल्टा हो गया है ना, ये हाई पोटेंशियल लो तो राइज हो गया तो माइनस लिया है, अब देख रहे हैं, और ये भी देखें ये करंट का उल्टा पड़ गया डायरेक्शन हमारी, हम ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस वी नॉट, और उधर से जब घूमते हुए आएंगे तो ये ड्रॉप है इधर से, तो ये प्लस हो गया +10, तो वी नॉट 9.7 और आउटपुट ये निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी और वैल्यू 9.7, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं रेक्टिफायर, एडबिली का क्वेश्चन जरा बताइए आंसर। इफ इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एट शोन, ये देखे पहली बात तो रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव,
हाफ वेव रेक्टिफायर और ये पॉजिटिव साइकिल को अलाउ करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसमें देखें ये जो स्क्वायर वेव मिल रही है, कोई बात नहीं स्क्वायर हो या कैसी साइनोसाइडल उसे मतलब नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देखें इसकी। तो ये इधर प्लस फाइव है, इधर माइनस फाइव है, ये अलाउ किसे करेगा? प्लस फाइव, प्लस फाइव और हाफ वेव रेक्टिफायर है माइनस फाइव जो रोक दिया जाएगा, तो क्या मिलेगा? सिर्फ प्लस फाइव मिलेगा, ये डी वाला हो गया। और सिंपल क्वेश्चन है सर, मैं जो है मान लें जैसे इसमें वैल्यू दी होती तब उतना डिडक्ट कर देते, ये आइडियल डायोड हो गया, ठीक। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट का भी संबंध जो है रेक्टिफायर से ही है। फंक्शनिंग क्या होती है देखें, ये फिल्टर सर्किट है, इसका यूज क्या होता है देखें, फिल्टर सर्किट इस्तेमाल होता है रेक्टिफिकेशन को बेहतर करने के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आगे पढ़ा कि बेहतर रेक्टिफिकेशन तब होता है जब रिपल्स पास पास मिले या वो वेरिएशंस कम हो जाए, है ना। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है जो हमें मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर से वो तो अच्छा है, लेकिन उसे और बेहतर बनाने का तरीका कि डीसी स्मूथ डीसी मिले, उसके लिए फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा आसान तरीका है, उसी रेक्टिफायर में हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर का क्या मतलब है देखें, बहुत सिंपल सी बात है ये। इसमें यह होता है कि ये कुछ और नहीं है, वो सर्किट है, रेक्टिफायर है फुल वेव। ये वो जो सर्किट नहीं था उसको ऐसे बनाया गया एक सिंबल की तरह, ये बॉक्स है उसमें वो सर्किट होगा, यहां से इनपुट दिया जा रहा है एसी इनपुट। अब यहां पे ही अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो हमें यहां आउटपुट पे वो फुल वेव रेक्टिफाई होके मिल रहा होगा, पूरी साइकिल मिल रही होगी कंप्लीट रेक्टिफाई होके, ठीक है, वो बाहर मिला। अब क्या होगा कि वो जो आउटपुट मिल रहा है उसमें अभी भी वेरिएशंस हैं, क्योंकि वो कैसे मिलेगा, ऐसे मैक्सिमम पहुंचेगा फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा फिर मिनिमम, उसे स्मूथनेस देनी है। तो ये जो वेरिएशन था इसमें कि ये नीचे जाना बिल्कुल जीरो होना फिर बढ़ना, इसको खत्म करना है तो उसका एक बहुत आसान तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं, आउटपुट के सीधे आउटपुट हुआ ना तो उसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं और कैपेसिटर के ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और देन आउटपुट ले लेते हैं। उससे होता क्या है देखें, उसमें आप देखो एक ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आपको स्पष्ट रूप से बताएगा कैसे, और देखें इस क्लियर, ये देखें इसका ये रिजल्ट मिलता है। जानते हैं फिल्टर सर्किट ने क्या किया है, चलें अगर मान लें फिल्टर सर्किट ना होता तो आउटपुट कैसा मिलता है, यहां देखें वो दिख रहा है, ये देख रहे हैं डॉटेड, ये आउटपुट मिल रहा होता है ना। फिल्टर सर्किट ने आप देखो यहां पर ये जो वेरिएशन था ना उसे मिनिमाइज कर दिया, देखें यहां पर वैल्यू मिलने लगी। तो अब अगर मान लें ये चीज मिलने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगी रिजल्ट में। जैसे ये देखें यहाँ पे, इसे और जूम करके दिखाते हैं कि अगर फिल्टर ना होता, अभी मैं बताता हूँ फिल्टर ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन फिलहाल अभी देखें रिजल्ट आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर फिल्टर ना होता तो रिजल्ट ये मिलता हमें, लेकिन फिल्टर होने के बाद ये देखें ये जो रिपल्स मिल रहे थे आपको, रिपल्स में बदलाव आ गया। रिपल्स क्या हुए हैं देखें, यहां से उठना यहां गिरना था बिल्कुल, तो हुआ क्या है कि ये उठा तो है लेकिन उठा ये जल्दी से है, वैल्यू इसकी तेज बढ़ रही है, लेकिन ये घटने में ये देखें इसने समय ले लिया। अगर ये बढ़ने में देखें यहां पर हुआ क्या था, यहां जितनी तेजी से बढ़ रहा था उतनी तेजी से घट रहा था, फिर बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि जब ये बढ़ रहा था और घटने में इसने समय ले लिया, तो इससे पहले कि ये घटे दूसरा रिपल शुरू हो गया, रिपल दूसरा शुरू हो गया तो इम्पोज हो गया इस पर। तो होने से क्या हुआ है कि अगर ये हमने ये इलोंगेट कर दिया, ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दे दिया घटने वाला, तो ये रिपल्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज होने से जो रिजल्ट मिलेगा वो देखें ऐसा मिलेगा, ये आउटपुट मिलने लगेगा। जितना ज्यादा हम इसे एक्सपेंड करेंगे इस घटने को ड्यूरेशन बढ़ा के, उतना ही ज्यादा यहां स्मूथनेस होगी। हो गया क्या ना, बेहतर डीसी हो गया। अब ये हो कैसे रहा है देखें, ये हुआ ऐसे है, याद करें वाला सर्किट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कैपेसिटर का, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोग कैसे कंट्रोल करते थे, रेजिस्टेंस लगा के। तो रेजिस्टेंस लगा के हम उसमें टाइम कॉन्स्टेंट निकालते थे, तो टाइम कॉन्स्टेंट अगर हम बढ़ा दें तो उससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कंट्रोल हो जाएगी, है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि हमने चार्जिंग नहीं डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर लिया है। कैसे, चार्जिंग तो ये कर रहा है रेक्टिफायर इसकी, ये आउटपुट मिला, आउटपुट जैसे मिला ये करंट बढ़नी शुरू हो गई,
है ना, यहाँ पे बढ़नी शुरू हो गई। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्जिंग इसमें हुई, फास्ट चार्जिंग कर दी इसने रेक्टिफायर ने, ठीक है ये अपना काम कर रहा है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, तो इसके पहले में रेजिस्टेंस लगाने से अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा, है ना। और रेजिस्टेंस के थ्रू अगर ये डिस्चार्ज होगा तो फिर रेजिस्टेंस तो डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर लेगा, तुरंत टाइम कांस्टेंट वहां डिफाइंड होगा जो रेजिस्टेंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। याद आ रहा है कितना, आर इंटू सी, है ना। तो रेजिस्टेंस आप बढ़ा लो, ये लोड रेजिस्टेंस बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा उसके डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर लेगा। आप बढ़ा लो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट वाज क्या था, आर इंटू सी, तो आर बढ़ा लें, डिस्चार्जिंग कंट्रोल हो जाएगी, उसे कंट्रोल कर लिया, उसे धीरे धीरे होने लिया और चार्जिंग तो ये कर रहा है लगातार, ये अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, डिस्चार्जिंग को हम इसके जरिए कंट्रोल कर ले रहे हैं। नतीजा अब आउटपुट जो मिलेगा वो ये मिलेगा हमें यहाँ पे। तो इतना जो होता है ना, ये जो सर्किट होता है ये फिल्टर सर्किट कहलाता है। ये काम हम कैपेसिटर ही नहीं, हम इंडक्टेंस कॉइल के जरिए भी कर सकते हैं फिल्टर सर्किट का। बस ये होता है कि इंडक्टेंस कॉइल ये पैरेलल में लगाया गया था, इंडक्टेंस कॉइल को सीरीज में लगाया जाता है, वो भी यही काम कर लेता है। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड डिवाइसेस होंगे उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग जैसे होती है वो कंट्रोल कर लेते हैं, जो इंडक्टेंस कॉइल भी होता है कैपेसिटर भी होता है, ठीक। तो उसमें बस आपको यही जानना है कि फिल्टर सर्किट होता क्या है, इतना उसका आउटपुट कैसा है, ठीक है। तो ये रेक्टिफाइड आउटपुट यहां मिल रहा है, अब देखो यहां, तो ये उसी के विषय में है जानकारी, है ना। तो वही है कि टू गेट स्टडी डीसी आउटपुट, स्टडी का मतलब ये कांस्टेंट है ना आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज, पल्सेटिंग का मतलब इनपुट, पल्स रिपल्स पे बेस्ड है ना, तो पल्सेटिंग वो वेरिएशन में है। तो इसमें लिखा है कि अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स पैरेलल टू अ लोड रेजिस्टेंस आरएल, ठीक है। वन कैन आल्सो यूज एन इंडक्टर, देखें लिखा हुआ है, इंडक्टर भी आप यूज कर सकते हो इन सीरीज, सीरीज में ये पैरेलल होता है कैपेसिटर तो ये सीरीज में विद आरएल फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। बाकी बातें क्या है ये हम बता चुके हैं आपको, ये नोट करना, ठीक है। रिवर्स बायसिंग एंड जीनर एक्शन, अभी तक डायोड का जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो फॉरवर्ड बायसिंग में, आपने देखा था कि वो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अलाउ कर रहा था और रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं कर रहा था, ये तो फंक्शनिंग ली थी हमने। लेकिन ध्यान करें कि जब हम ग्राफ आपको पढ़ा रहे थे इसकी फंक्शनिंग में, तो उसमें ये फॉरवर्ड बायसिंग पे था, है ना, कि यहाँ से वाल्व ओपन हो जाता है उन्हें डायोड, है ना, वोल्टेज आपने बढ़ाया तो ये करंट जो है बढ़ना शुरू हो जाती है एक तरफ, और अगर ये वोल्टेज आप उल्टा लगाना शुरू कर देते हो या कम करने लगते हो बाहर वाला, और वो वोल्टेज जो है जो बाहर से लगा रहे थे, तो उसमें फिर ये करंट जो है ये तो बंद हो जाएगी, वाल्व जो है यहाँ से ओपनिंग होती है वाल्व की, इसके बाद ये वाल्व जो है इधर बंद हो जाता है, तो ये जो करंट मिल रही होती है ये एक थोड़ी सी उल्टे डायरेक्शन की करंट मिल रही होती है, कौन सी, ड्रिफ्ट, उल्टे डायरेक्शन में दिखाया गया, देखें ये पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की और ये निगेटिव। तो अभी तक जो हम परफॉर्मेंस ले रहे थे वो इतना, ये देखें डायोड का, ये सिर्फ इतना है ना, ये वाल्व का काम है, एक तरफ तो करंट को अलाउ कर रहा है और दूसरी तरफ करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, नेगलिजिबल है, नेगलिजिबल करंट है तो कहा जाएगा कि बंद हो गया लगभग वाल्व, इतना फंक्शनिंग। लेकिन इसमें आप देखो कि आगे बढ़ते हुए निगेटिव साइड में यानी कि रिवर्स बायसिंग में आप देखो एक ये भी तो परफॉर्मेंस थी है ना, ये परफॉर्मेंस कुछ ऐसी दिख रही है कि जब हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते चले जाएंगे मतलब उल्टा वोल्टेज लगाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, हालांकि ड्रिफ्ट करंट नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहां पे ड्रिफ्ट करंट एकदम से जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। जबरदस्त तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, ये देखें स्लोप वर्टिकल हो गया है ग्राफ, ग्राफ वर्टिकल होने का मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो, लगभग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब सुपर कंडक्टिंग। तो यहां पे जब ये सुपर कंडक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहां पे जिस वोल्टेज पे हो रहा है यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे वो सिंपल वाल्व आप याद करो जो हम लोगों ने मैकेनिकल वाल्व बनाया था, तो वो ओपनिंग ऐसे हो रही थी उसकी, तो वो क्या हो रहा था कि हम इधर से प्रेशर पानी का दे रहे थे तो वाल्व ओपन हो रहा था, उसमें दो तीन तरीके के वाल्व थे, उसमें कुछ स्ट्रांग थे और कुछ वीक थे, तो मतलब जो आसानी से ओपन हो जाए या फिर थोड़े मुश्किल से ओपन हो, तो हमने देख लिया जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब हम लोगों ने देखा, या आइडियल वाल्व तो फॉरवर्ड बायसिंग का था वो, तो अपना जो है अलाउ कर रहा है, उधर से जब करंट आ रही मतलब उधर से जब वाटर आ रहा था तो रोक दे रहा था, यही तो था। अच्छा, तो उधर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो
ये रोक दे रहा, बिल्कुल भी नहीं फ्लो होने दे रहा। लेकिन अगर मान लो कि इसका अपना एक, इसकी भी तो लिमिट होगी रोकने की, तो उसमें क्या होता है कि अगर उधर से प्रेशर आप ज़्यादा बढ़ाते चले गए बहुत ज़्यादा, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि ये वाल्व भी ब्रेक हो जाए उल्टे डायरेक्शन में। अगर ब्रेक होगा तो वाल्व ब्रेक हुआ अगर, तो आप समझ लें कि ज़बरदस्त फ्लो होना है, क्योंकि हाई प्रेशर तो हो ही गया है। अब हाई प्रेशर हुआ है तो वहाँ पे वाल्व ब्रेक हुआ अगर, तो ज़बरदस्त फ्लो उल्टे डायरेक्शन का होगा, उसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। कुछ उसी तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो उसमें ये होता है कि अब ये फर्क ये है यहाँ पे कि इसमें और उसमें, वहाँ पे वाल्व जो अगर ब्रेक हुआ तो डैमेज हो गया, वो यहाँ डैमेज नहीं होता है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर ब्रेक होता है तो फिर अगर वोल्टेज आप घटा दोगे ना, तो फिर वो परफॉर्म करने लगेगा। बस ये है, बिल्कुल वैसे ही मत उसे कॉपी कर लीजिएगा, है ना। मतलब एनालॉजी करते करते उसी में खो गए, पता चला उसी वाल्व को लगा दिया सर्किट में, ये मतलब नहीं है। बस वो एक समझाने का तरीका है कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या है। देखें अब यहाँ पे कैसे होगा ब्रेक डाउन, तो उसका एक बहुत बेहतर यूज है ब्रेक डाउन का। वो क्या है कि ये ब्रेक डाउन का ये मतलब समझ में आ रहा है कि अगर रिवर्स बायसिंग में आप वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो ठीक है, ड्रिफ्ट करंट अभी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर ड्रिफ्ट करंट एकदम से क्यों बढ़ी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ये है कि याद करें ड्रिफ्ट करंट बनती कहाँ पे थी, डिप्लीशन लेयर में। कैसे होता था? वो बॉन्ड होते थे, वहाँ मेजॉरिटी कैरियर तो होते नहीं थे, वहाँ बॉन्ड होते थे। तो जो बॉन्ड्स होते थे वो उसी में ये चार्ज होते थे, तो क्या होता था कि उसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते रहते थे। बॉन्ड क्यों ब्रेक होते थे? थोड़ा स्ट्रेन तो रहता ही है, उसमें फील्ड तो है ही, डिप्लीशन लेयर में फील्ड है, तो उसमें वो स्ट्रेन पड़ रहा है चार्जेस पे, तो बॉन्ड में स्ट्रेन तो हो ही रहा है। अब वो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं तो थोड़ी सी करंट क्रिएट हो जा रही है, लेकिन नेग्लिजिबल करंट थी। लेकिन आप सोचो कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो डिप्लीशन लेयर तो स्ट्रांग होती जाएगी, तो उसमें अंदर फील्ड बढ़ती चली जाएगी, सपोर्ट मिल रहा है फील्ड का, ई नॉट प्लस ई प्लस ई, तो वो बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते जाने से स्ट्रेंथ जो है, मतलब उसमें जो है वो कम होने जा रही, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो आप जानते हो कि कोई भी बॉन्ड होगा उसकी तो एक लिमिट होगी ना, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। मान ले वो फील्ड जो आप लगाते जा रहे हो एक्सटर्नल, वो उस स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई तो जानते हैं बॉन्ड के अगर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई फील्ड तो बॉन्ड ब्रेक होगा। एक नहीं, सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, सब बॉन्ड एक साथ टूटेंगे। अगर सारे बॉन्ड एक साथ टूटते हैं तो आप समझ लें कि करंट कितना जबरदस्त पेयर प्रोडक्शन होगा वहां पे, और पेयर प्रोडक्शन इतना जबरदस्त होता है कि इतनी जबरदस्त करंट बहती है कि वो हाई कंडक्टिंग हो जाता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कंडक्टर इधर भी है लेकिन ये सुपर कंडक्टिविटी नहीं है, ये कंट्रोल कंडक्टिविटी है कंपेरेटिवली। इसमें स्लोप है, इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगभग, ये वर्टिकल हो जाने से रेजिस्टेंस लगभग नील, सुपर कंडक्टिविटी हो गया। अब ये सुपर कंडक्टिविटी जानते हैं आम सुपर कंडक्टिविटी से डिफरेंट है। आम सुपर कंडक्टर जो होता है सिंपल, वो किसी भी वोल्टेज पे सुपर कंडक्टिंग होता है, वो करंट को अलाउ करता है जबरदस्त किसी भी वोल्टेज पे। लेकिन ये एक ऐसा सुपर कंडक्टर बना है जो हर वोल्टेज पे नहीं, अगर हर वोल्टेज पे होता ही है तो यहीं से हो जाता है कि नहीं। ये देखें अभी नहीं है, अभी ये हाई रेजिस्टेंस है, एक ऐसा सुपर कंडक्टर बन रहा है जिसमें एक सर्टेन वोल्टेज तक जबरदस्त रेजिस्टेंस है जो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये सुपर कंडक्टिंग हो रहा है। यही इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद सुपर कंडक्टिंग होना। मतलब ऐसी जगह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमें या तो इंसुलेशन चाहिए एकदम, या एक वोल्टेज के बाद सुपर कंडक्शन चाहिए। तो ये इंसुलेशन चल रहा है और एकदम से ये सुपर कंडक्टिविटी एक सर्टेन वोल्टेज पे। लेकिन क्या होता है अगर ऐसे सुपर कंडक्टर आप यूज करोगे तो किसी वोल्टेज पे सुपर कंडक्टिंग हो जाएगा। इंसुलेटर यूज करोगे तो हर वक्त वो इंसुलेटर है, ये तो अपना परफॉर्मेंस बदल देता है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपकी बात सुपर कंडक्टिंग है, ये सुपर कंडक्टिविटी नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं देखें, इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो एक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये एक्शन के लिए जो वाल्व हम इस्तेमाल करते हैं उसे जीनर डायोड बोलते हैं, उसे जीनर बोलते हैं, ठीक है, जीनर डायोड बोलते हैं। और उसमें ये जो वीबी होता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ये उसकी रेटिंग होती है पहचान। तो हर जीनर डायोड के साथ ये रेटिंग लिखी होती है कि अगर आप उसे रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जीनर को करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, तो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक सर्टेन रेटिंग, जैसे मान लें लिखा होगा 10 वोल्ट ब्रेकडाउन, तो ये आप समझ लें कि 10 वोल्ट पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, 10
10 वोल्ट के ऊपर ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, ये मत देखें ऊपर है थोड़ा सा, इधर इधर चल के ब्रेकडाउन, तो वो लिमिट है उसकी, वो 10 वोल्ट तक बियर करेगा, उसके बाद वो सुपर कंडक्टिंग होगा। मान लीजिए 220 वोल्ट लिखा है उस पर, तो 220 वोल्ट तक वो इंसुलेशन है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर जरा सा भी वोल्टेज बढ़ा तो सुपर कंडक्टिंग हो जाएगा। अब उसकी यूज कैसे करेंगे बेहतर देखें यहाँ पे, पहले तो इस जाने कैसे बताया जाता है इसे, ये एक्शन कितने तरीके के होते हैं देखें, ब्रेकडाउन वाले, तो ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायसिंग, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, वही ब्रेकडाउन वोल्टेज है, द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीजेस, एकदम से इंक्रीज होती है ना टू अ लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू मतलब सुपर कंडक्टिंग हो रहा है एकदम, दस मेकिंग द डायोड हाई कंडक्टिंग, वेरी हाई कंडक्टिंग होना चाहिए इसे इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड एंड द वोल्टेज एट विच इट आकर्स इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब एट विच लिख दिया गया है लेकिन ये ध्यान दें उसके जस्ट ऊपर आकर होता है, ठीक है ओके। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस बाय विच ब्रेकडाउन में आकर, दो प्रोसेस डिफाइन किए जाते हैं ब्रेकडाउन होने के कारण, दो कारण बताए जाते हैं, मैं तो अभी एक बता रहा था आपको, दो तरीका है उसमें एक क्या, मतलब ब्रेकडाउन तो होने का मतलब है कि बॉन्ड का ब्रेक होना, लेकिन बॉन्ड के ब्रेक होने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको एक बताया अभी, तो उसमें जो दो तरीके हैं उसमें एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन और दूसरे को बोलते हैं एवलांस ब्रेकडाउन, जरा सा उसमें स्लाइट डिफरेंस जो है वो जरा जाने क्या है, देखें इसमें होता क्या है, ये जीनर ब्रेकडाउन जो लिखा हुआ ये वही है जो मैंने आपको बताया था, उसमें है कि ब्रेकडाउन में भी प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट ब्रेकिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डेप्लीशन लेयर, इस डेप्लीशन लेयर के अंदर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो स्ट्रेन आएगा उससे ब्रेकडाउन होता है, ये अगर ब्रेकडाउन हुआ है ना तो उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं, देखें कैसे हो रहा है ये, यहां देखें इसमें ये हुआ है, देखें इस समय ये रिवर्स बायसिंग है, देखो नीचे जो सोर्स लगा हुआ है उसमें पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जा रहा है, और देखें यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया गया है, देख रहे हैं ये कई सोर्स सेल लगाने का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक, तो ये हाई वोल्टेज किया जा रहा है रिवर्स बायसिंग में, होगा क्या जब आप स्विच ऑन करेंगे तो हैपनिंग ये होगी, अभी शुरू में क्या है अभी तो कोई बायसिंग है नहीं इसमें, स्विच डिसकनेक्टेड है तो दोनों करंट थोड़ी थोड़ी बह रही होगी, तो आपस में ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन होगा क्या देखें जब ये कनेक्ट करेंगे आप तो होगा क्या देखें, फिर से देखें ये स्विच कनेक्ट करेंगे ना तो रिवर्स बायसिंग ना तो डेप्लीशन लेयर बढ़ेगी, और ये देखें ब्रेकडाउन हुआ, अंदर ये जबरदस्त पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, इस पेयर प्रोडक्शन से ये करंट बहनी शुरू हो गई, किस डायरेक्शन की आप देखो ड्रिफ्ट ही करंट तो होगी ना, पॉजिटिव इधर आ रहे हैं तो ये करंट, और ये करंट एकदम से बढ़ी है, पहले क्या था करंट अभी कम है, यह ड्रिफ्ट करंट, जब स्विच ऑन करोगे डेप्लीशन लेयर स्ट्रांग हो गई, फील्ड स्ट्रांग हुई, ब्रेकडाउन हुआ और ये करंट एकदम से बढ़ गई, यह है जीनर एक्शन, बॉन्ड के ब्रेक होने से हुआ है, ठीक है। क्लियर है ओके। दूसरा एक्शन क्या है देखें, ट्रांस ब्रेकडाउन, यह है माइनॉरिटी कैरियर्स एक्वायर सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोलाइड विद अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनसाइड द डेप्लीशन लेयर एंड द बॉन्ड विल बी ब्रोकन। इसमें यह कहा जाता है कि बॉन्ड ब्रेक होने से ही होगा, लेकिन एक कारण और कहा जाता है बॉन्ड ब्रेक होने का, वो ये है, हुआ क्या है इसमें कि ये डेप्लीशन लेयर तो स्ट्रांग हो गई, इसमें स्ट्रेन तो हो ही रहा होगा, अगर स्ट्रेन से टूट रहे हैं तब तो ठीक है, वो हो गया इसमें जीनर के एक्शन के, लेकिन होता क्या है आप ये जरा ध्यान दो, ये एन टाइप है ना, इसमें होल्स अगर दिखाए जा रहे हैं तो ये माइनॉरिटी कैरियर है भाई, हर सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक में सिर्फ मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी की भी तो कंसंट्रेशन होता है, वो हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रभाव है, कहीं प्रभाव भी दिखता है उसका, तो उसमें क्या है एन टाइप में होल्स और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनॉरिटी कैरियर है। हुआ क्या है कि जब आपने इसे रिवर्स बायसिंग की है तो ये हुआ क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है इसने इनको एनर्जी दे दी, किसको, वो जो इसमें एन टाइप में पॉजिटिव थे ना माइनॉरिटी कैरियर है ना, तो वो माइनॉरिटी कैरियर जो पॉजिटिव थे उसको ये थ्रस्ट दे दिया इन्होंने, हाई पोटेंशियल दे दिया, रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव हो गया,
हाई पोटेंशियल हो गया, तो ये तेजी से भागेंगे इसके थ्रू, इनको मौका मिल गया तो ये इसके थ्रू जाने लगते हैं। अब ये जब तेज हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इसमें जब एंटर करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना उनसे टकराएंगे, टकराएंगे तो एनर्जी दे देंगे, बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इनकी इतनी हाई एनर्जी हो जाती है कि ये डिप्लीशन लेयर के थ्रू पास होने लगते हैं और पास होके ये अंदर जाके वो बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना उनसे टकरा के उनको ब्रेक करने लगते हैं बॉन्ड को, तो उससे भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। और इधर से इलेक्ट्रॉन तो उल्टा दौड़ेंगे, वो भी अंदर जाएंगे तो वो भी ब्रेक करेंगे। तो ये माइनॉरिटी कैरियर हाई एनर्जी पाके जब इसके तो माइनॉरिटी ये कैरियर जो होते हैं मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो ये डिप्लीशन लेयर में नहीं होते हैं, उसमें तो बॉन्ड होता है लेकिन बाहर से तो एंटर कर सकते हैं। तो इन्होंने किया है एंटर और ये जाके हाई काइनेटिक से एंटर करके यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो अगर इससे बॉन्ड ब्रेक होता है वो भी देखें यहाँ पे, ये है माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये होगा क्या कि जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो ये दौड़ेंगे, डिप्लीशन लेयर तो बढ़ेगी, ये देखें दौड़ेंगे और ये अंदर जाके ब्रेक कर देंगे बॉन्ड को। तो ये दोनों मिलके पेयर प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं दोनों, क्या जीनर एक्शन और ये एवलांच, ये एवलांच फिनोमिना कहलाता है। तो स्लाइट डिफरेंस है दोनों में लेकिन रिजल्ट तो एक ही दिया ना, बॉन्ड ब्रेक किया, ड्रिफ्ट करंट एकदम से बढ़ गई, ब्रेक डाउन हो गया, ये याद रखिएगा। तो दोनों एक्शन होता है। अब जीनर एक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया, मतलब जीनर डायोड का जीनर एक्शन भी एवलांस भी देख लिया हम लोगों ने, बेसिकली इससे बनना है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड कैसे इस्तेमाल होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा, हाई वोल्टेज पे होगा, ठीक है। हाई वोल्टेज क्या, वो वोल्टेज की रेटिंग होती है, हाई और लो दोनों हो सकता है, उसमें रेटिंग होती है, उसमें पहले से रेटिंग दिया होता है, हमने अभी बताया था आपको, जैसे 5 वोल्ट लिखा है या 10 वोल्ट लिखा है या 220 वोल्ट लिखा है। जीनर डायोड हर वैल्यू के आते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के, तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बेहतर, देखें इसमें लिख के आ रहा है कि जीनर डायोड एस वोल्टेज रेगुलेटर। ये बताएं रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर बहुत अच्छी तरह जानते होंगे आप कि जैसे मान लें रेगुलेटर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेलिकेट होते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसमें हमने इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलेटर, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज मिलता है हमें सप्लाई वोल्टेज मिलता है उसमें अक्सर जो वोल्टेज बढ़ने की संभावना होती है। तो आप जानते हो कि वोल्टेज बढ़ने से कितना डैमेजिंग हो जाता है, पावर कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो डैमेजिंग हो सकता है क्योंकि हर डिवाइस एक सर्टेन वोल्टेज पे डिजाइंड है, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो उसको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें इनपुट मिल रहा होता है वहां से, जो वोल्टेज सप्लाई मिल रही होती है उसमें, इससे पहले कि उस डिवाइस में पहुंचा उस वोल्टेज को, हम रेगुलेटर एक लगा देते हैं उनके बीच में। तो रेगुलेटर जो है उसे रेगुलेट करके भेजता है। रेगुलेट करने का मतलब ही खास तौर से इतना काम तो करे कि अगर वहां वोल्टेज जो है रेटिंग वोल्टेज से बढ़ जाए सप्लाई वोल्टेज, तो उसे वो नीचे करके उसी वैल्यू पे ले आए जितना रिक्वायरमेंट है उस डिवाइस की, तो संभाल ले वोल्टेज। हालांकि रेगुलेटर दोनों काम करता है, हाई वोल्टेज को लो कर देता है, लो को हाई, मतलब बैलेंस कर देता है। यहां पे क्या है कि ये तो रेगुलेटर हम बाहर से लगा दिए, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो आईसीस जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो छोटे छोटे सर्किट होते हैं उसमें हजारों सर्किट अंदर होते हैं, तो उसमें अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हैं या कैपेसिटर लगे हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनको संभालना होता है, क्योंकि अगर कहीं भी वहां पे सर्किट जला कहीं भी किसी जगह पे तो पूरा आईसी खराब होता है, क्योंकि ये नहीं है कि उसमें उसे हटा के जो है दूसरा लगा दिया गया। तो उसमें क्या होता है कि जहां पे बहुत डेलिकेट रेजिस्टेंस होते हैं कैपेसिटर, जिनको बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है जिनके लिए, उनके अक्रॉस जीनर डायोड लगा दिया जाता है। जीनर डायोड लगाने से वो सेफ हो जाते हैं। तो कभी मान लें उस सर्किट में अगर कहीं से हाई वोल्टेज मिल गया तो जलेगा नहीं, वो सेफ कर लेंगे उनको। तो वही एक्शन आपको दिखा रहे हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से देखते हैं। जैसे मान लें एक सर्किट में आपको दिखाता हूं, पहले ये देखें ये क्या आ रहा है, यहाँ पे वही है जीनर एक्शन की बात हो रही है। तो इसमें लिख के आ रहा है एक बात कि वंस द ब्रेकडाउन आकर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड डज नॉट इंक्रीज इवन इफ द अप्लाइड बैटरी पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। क्या मतलब है, आप ये ध्यान देना, ये जब तक ये अभी इंसुलेशन पे था
तब तक आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ये वोल्टेज को बियर करता जा रहा है ना, वोल्टेज बढ़ती जा रही है उसके अक्रॉस। लेकिन होगा क्या, इसके बाद आप देखें, इसके बाद ग्राफ एकदम से ऐसे मुड़ गया। ये मुड़ने का जानते क्या मतलब हुआ, करंट तो बढ़ेगी लेकिन अब वोल्टेज आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ रही होती, वो वोल्टेज को बियर कर रहा होता उसके बाद, तो ये ग्राफ ऐसे जाता वोल्टेज के बढ़ने के डायरेक्शन में। देखिए वर्टिकल होने क्या मतलब है, अब उस पर वोल्टेज तो बढ़ नहीं रही है। तो क्या होता है कि ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज के जो आगे वोल्टेज है उसको नहीं लेता है, वो कांस्टेंट हो जाता है उस पर वोल्टेज। जैसे मान लें 10 वोल्ट का है वो, सपोज ब्रेकडाउन वोल्टेज का जीना डायोड, तो 10 वोल्ट तक तो वो बढ़ेगा। जैसे आप 2 वोल्ट से दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, पड़ रहा है 10 दे दो, 10 तक गया। लेकिन 10 के बाद अगर मान लें आपने इनपुट में जो है 12 वोल्ट लगा दिया, नहीं लेगा वो, 10 ही पे रह जाएगा। आप उस पर अब बढ़ाते जाओ, कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ बाहर से, वो 10 ही रह जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, ये लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट वोल्टेज हो जाने से वो जानते इसी से सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा, वोल्टेज को अपने अक्रॉस बढ़ने नहीं देता है। तो आप समझ ले कि उसके अक्रॉस जिस डिवाइस को लगा दिया जाएगा उस पर भी वोल्टेज को नहीं बढ़ने देगा, तो सेफ कर लेगा। तो ये फंक्शनिंग कैसे होगी देखें इसमें, कि इवन इफ देयर इज अ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज चाहे चेंज भी कर दिया जाए, द करेंट थ्रू द डायोड चेंजेस बट द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स एसेंशियली द सेम। ये होता है, तो उसमें ऐसे होगा देखें फंक्शनिंग। जैसे एक सिंपल सर्किट में आपको दिखाता हूं, मान लें ये एक सप्लाई वोल्टेज हमारे पास है और एक हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कोई रेटिंग होगी। रेटिंग मान लें जैसे ये कह रहे हैं कि ये वी वोल्टेज का सप्लाई है और इसकी रेटिंग भी वी वोल्टेज। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें एक बल्ब है हमारे पास, है ना, अब बल्ब जो है जो भी हम लेके आएंगे उसका वोल्टेज रेटिंग लिखी होती कितनी, 220 वोल्ट। तो मान लें सप्लाई तो हमें 220 वोल्ट मिल रही है और ये रेटिंग भी इसकी 220 वोल्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये इस पे परफॉर्म करेगा। यहाँ से अब सर्किट ऑन करोगे तो करंट इसके थ्रू जा रही है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है ना, उसी रेटिंग पे वो करंट मिल रही है, वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन अगर मान लें ये इनपुट में वोल्टेज हाई हुआ, सपोज ये देखें एकदम से अगर ये सिचुएशन हो जाए कि यहाँ वोल्टेज बढ़ जाए, तो अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो ये सीधे यहाँ भी वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट का क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी। तो करंट यहाँ से बढ़ गई, अब ये करंट जो बढ़ेगी आप देखें ऐसे, देखें तो इसमें ये होगा कि ये करंट यहां से जा रही है, ठीक। अब ये करंट जा रही है तो ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अपना सही वोल्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। अब हुआ क्या कि यहां वोल्टेज बढ़ गई, ये देखें, अब वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, यहां करंट भी बढ़ जाएगी। और करंट अगर बढ़ी है ना, तो जानते हैं आप करंट तो एक्स्ट्रा करंट जाएगी तो एनर्जी लेके जाएगी, तो होगा क्या देखें, एक्स्ट्रा करंट गई, ये देखें फ्यूज हो जाए, ये होना पर यही नहीं होना चाहिए। यहां पे अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, ओके, लेकिन यहां पे जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा करंट जानी शुरू होगी ये वाली, है ना, डेल्टा आई ये करंट होगी, ये देखें ये फ्यूज कर देगा इसे, क्योंकि एनर्जी एक्स्ट्रा लेके जा रही है, उसके लिए डिजाइन नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है और बहुत जल्दी फ्यूज होता है, बहुत जल्दी डैमेज होता है, क्योंकि एनर्जी एकदम से बढ़ती है। पी का प्रोपोर्शनलिटी वी स्क्वायर से होता है, याद होगा आपको, ठीक है यहां पे। अब इसको सेफ कैसे किया जाए, ये मेन है। तो जीनर डायोड जो है कैसे इसे सेफ करेगा, देखें कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए तो करेंगे क्या। अब ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसमें किया क्या गया है कि ये जो लोड था इसके अक्रॉस यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा, जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो आप देख रहे डायरेक्शन इसकी, देखो ये देखो आउटपुट, मतलब ये इनपुट, तो ये देखें हाई पोटेंशियल, ये देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, ये देखें उल्टा लगा है, तो रिवर्स बायसिंग में है। अच्छा, इसमें रेटिंग जो है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेटिंग ये वही होनी चाहिए जो इसकी है। तो जैसे मान लें वी वोल्टेज 220 वोल्ट पे काम कर रहा था ये, तो आप क्या करो इसको सेफ रखने के लिए एक जीनर डायोड ले आओ जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 220 वोल्ट हो, उसको इसके क्रॉस लगा दिया। अब ये सेफ कैसे करेगा देखें, सेफ ये करेगा कि अभी अभी तो क्या होगा कि अभी जब सही वोल्टेज वहां से मिल रहा है, तो सही वोल्टेज मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये करंट जो है इधर जाती रहेगी। इधर क्यों नहीं जाएगी, रिवर्स जब तक इसका ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक ये इंसुलेटर है, जब तक ब्रेकडाउन हो जाए तब तक इंसुलेटिंग है, ये रिवर्स बायसिंग में है तो अपनी तरफ करंट लाने ही नहीं देगा। तो ये पूरी करंट जो इसके थ्रू पास होगी और इसे चाहिए ये करंट,
अपना ये परफॉर्म कर रहा है वैसी जैसे करना चाहिए इसे, लेकिन ये उस समय फंक्शनिंग इसकी शुरू होगी जब ये वोल्टेज से बढ़ेगा। तो वोल्टेज से बढ़ा ये डेल्टा भी, अब ये वोल्टेज बढ़ा तो क्या करेगा, यहां से करंट बढ़ेगी। अब जैसे ही यहां वोल्टेज बढ़ी, आप देखो यहां पे वोल्टेज बढ़ गई ब्रेकडाउन से, तो क्या होगा, ये सुपर कंडक्टिंग हो जाएगा। और सुपर कंडक्टिंग होने का मतलब है कि अब यहां से जो एक्स्ट्रा करंट होगी उसके लिए सुपर कंडक्टिंग होगा ये। तो यहां से जो एक्स्ट्रा करंट आई, अब वो करंट इधर नहीं जाएगी, ये अपने थ्रू निकाल देगा। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ इतनी करंट को क्यों अपने थ्रू निकाल रहा है, इसको क्यों नहीं, यहां पे आप इसे हटाओ, आप एक कंडक्टर लगा दो सुपर कंडक्टर, चलो क्या करेगा वो हर करंट को, ये जानते हैं इसी को नहीं, वो उसको भी अपने थ्रू ले जाएगा, तो ये परफॉर्म ही नहीं करेगा। अगर आप सुपर कंडक्टर लगा देंगे तो सारी करंट को ले जाएगा, वो हर वोल्टेज पे कंडक्टिंग होता है, सुपर कंडक्टिंग होता है, वो सारी करंट ये शॉर्ट सर्किटिंग कर देगा। सबसे अच्छा तरीका इसको सेफ रखने का, यूज ही मत करो, ज्यादा अच्छा तरीका है आप सुपर कंडक्टर लगा दें, शॉर्ट सर्किटिंग में रखें, इसे यूज ही मत करें, बिल्कुल हमेशा सेफ रहेगा। लेकिन भाई हम तो यूज करेंगे इसे, तो इसमें यह है कि यहां पे अगर इस्तेमाल करना है हमें और सेफ रखना है, तो इसमें यह कंडक्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुपर कंडक्टर होना चाहिए, हाई कंडक्टर, जो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद हो, एक सर्टेन करंट के बाद। सर्टेन वोल्टेज का मतलब है कि जिस वोल्टेज तक ये इंसुलेटर है उस करंट के लिए भी इंसुलेटर है, लेकिन इसके बाद जिस वोल्टेज के लिए ये सुपर कंडक्टिंग हुआ है उसी वोल्टेज पे जो एक्स्ट्रा करंट क्रिएट हो रही है उसके लिए हो गई, तो ये इनके लिए कंडक्टिंग हुआ है। तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद कंडक्टिंग होना ये इसका जरूरी था होना, अगर ये हर वोल्टेज पे कंडक्टिंग होता तो फिर ये शॉर्ट सर्किटिंग करता, ये नहीं करता ये। तो ये जीनर एक्शन है, मतलब जीनर डायोड का फंक्शनिंग ऐसा, बाकी और कोई खास बात नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल होना चाहिए ये उसी रेटिंग का होना चाहिए जिस रेटिंग का आप डिवाइस लगा रहे हो, पैरेलल में लगा दिया। तो वो जितने वो रेजिस्टेंस होते हैं जो डेलिकेट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सर्किट में, उनके सबके अक्रॉस जीनर डायोड लगा देते हैं ऐसे पैरेलल में, तो होता क्या वो सबको सेफ कर लेता है। इसमें बाकी बातें तो ठीक है डिस्कस कर लिया हमने, इसमें एक पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये जरा सर्किट देखें, ये जो सर्किट अभी आप देख रहे थे उसमें एक ये रेजिस्टेंस यहां पे और लगाया गया है। ये जो रेजिस्टेंस होता है RS इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इनपुट सप्लाई टू कंट्रोल करंट नोन एज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टर, लिमिटिंग रेजिस्टर, इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसमें यह है कि जैसे अभी तो ये हो रहा था ना कि जैसे मान लें हम ये डायोड जो लगा रहे थे वो 220 वोल्ट का लगा दिए, यहाँ पे सप्लाई 220 वोल्ट थी और इसको भी चाहिए था, तो एक ही डिवाइस है उसी को संभालना है, वो वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया तो यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि यहाँ वोल्टेज कुछ और हो और यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे मान लें 220 वोल्ट है, हम जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 वोल्ट का, रेटिंग उसकी 10 वोल्ट है, तो वो भी तो इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज में कर देते हैं, कई डिवाइस लगा देंगे। तो याद है आपको कि अगर मान लें वो कम वोल्टेज रेटिंग का है अगर डिवाइस और बाहर से बहुत ज़्यादा मिल रहा है 220 मिल रहा है और 10, तो बाकी रेस्ट आप दे जो पोटेंशियल होता है उसे ड्रॉप करवा देते हैं, है ना, कहाँ पे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा के, वही किया गया है। तो इसे मान लें जैसे ये कम रेटिंग का हो तो हम क्या करेंगे, इसको सेफ रखने के लिए पहला काम तो ये करेंगे, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया। इससे क्या होगा कि जितना वोल्टेज इस पे, जैसे मान लें 220 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट चाहिए, तो बाकी रेस्ट ऑफ दी वोल्टेज ये बियर कर ले, है ना, ये बियर कर लिया तो बाकी वो वोल्टेज जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, इसके अक्रॉस हम 10 वोल्ट वाला जीनर डायोड लगा देंगे। तो ये सिर्फ एक काम के लिए, अगर मान लें इसी रेटिंग का लगा रहे हो आप तब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, 220 वोल्ट रेटिंग का ही लगा रहे हैं, अगर नहीं किसी और रेटिंग का लगा रहे हैं कम तो बाकी पोटेंशियल तो ड्रॉप करवाना पड़ेगा ना, तो ये काम ये करता है। तो इसीलिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा कर चलते हैं, जरूरत होगी तो हटा देंगे नहीं तो लगा देंगे इसे। तो पहले तो ये सेफ बना इसे और उसके बाद पोटेंशियल वेरिएशन में ये सेफ कर ले इसे, ठीक है। आरडी का क्वेश्चन है, देखें इन अ जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अ जीनर डायोड विद
breakdown potential 6 volt, ये दिख रहा है 6 volt का zener diode लगा है, is used for regulation, okay. The load current is to be 4 milliampere, मतलब ये है कि इस load में 4 milliampere से ज़्यादा current नहीं जानी चाहिए. वहाँ voltage, असल में हुआ क्या, आप ध्यान दो, इस circuit में input 10 volt है, और ये rating 6 volt होगा, तभी तो 6 volt का लगाया है zener diode. तो इसमें वही बात हो गई कि अगर यहां 6 वोल्ट चाहिए तो रिमेनिंग जो वोल्टेज बचा कितना 4, इस पे ड्रॉप करवाना है, इसलिए लगाया गया. अगर ये 10 वोल्ट ही होता तो उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, ओके. तो इसमें ये कह रहे हैं कि यहां पे इसमें दे दिया है करंट 4 मिली एम्पियर जा रही है एंड द अनरेगुलेटेड इनपुट इज 10 वोल्ट. अनरेगुलेटेड का मतलब वो आउटपुट, वो इनपुट जो है वहां से जो आ रहा है बाहर वाला, ठीक है. What should be the value of series resistor? कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए. और एक बात और लिखी हुई स्टेटमेंट कि let the current through the zener diode be 5 times the load current. इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लें zener diode के through current आपको निकालनी है, कब भाई breakdown तो हो ही जाएगा इसका, है ना. breakdown होने के बाद जो है उसमें जो current इसके through जा रही है वो high current होगी, वो उसकी value दे दी है उन्होंने. उन्होंने कहा है कि इसका ये 4 milliampere का 5 times मतलब कितना हो गया 20. कह रहे हैं कि ये resistance बताओ. तो ये simple circuit हो गया, इसमें कुछ करना थोड़ी. आप देखो इसमें ये है कि अगर इस resistance को आपको आपसे पूछ रहे हैं तो अगर यहाँ का voltage और current दोनों पता चल जाए तो resistance हम निकाल लेंगे. voltage तो मालूम है, 10 वोल्ट में 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया तो ये 4 वोल्ट बचा, है ना. 4 वोल्ट ये ले गया तो 4 वोल्ट ये है. और करंट की बात करें तो वो भी दे दिया, कैसे, ये 4 मिली एम्पियर दिया है और यहां पे कह दिया 5 टाइम्स है, तो यहां पे कितना हो गया 20. तो 20 प्लस 4 24 मिली एम्पियर करंट यहां से जा रही होगी. तो वोल्टेज ही पता चल गया, करंट भी पता चल गई, रेजिस्टेंस तो, मतलब एक सिंपल सर्किट है. और वो चूंकि जीना डायोड इस्तेमाल करें तो टेक्निकल लैंग्वेज उसकी दे दी है, निकालना हो रेजिस्टेंस है, सर्किट एक सॉल्व करना है. तो वही है कि सर्किट्स वही होते हैं, बस वो लैंग्वेज समझनी होती है कि वो कैसे बोल रहे हैं उसी बात को, है. अब डायोड के टर्म से बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो अगर आप सर्किट समझ रहे हो तो आसानी से हो गया. सर्किट तो जैसे किरचॉफ्स लॉ होता है उसी तरह परफॉर्म करेगा, उससे तो कोई भी सर्किट सॉल्व होता है, ठीक है. तो इसमें यह है, ये स्टेटमेंट तो वही आ रहा है कि इसका आर एस का इस्तेमाल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखें, चूज जीनर करंट एज 5 टाइम्स द लोड करंट. तो पहले ये निकाल लें जीनर करंट कितनी होगी. तो 4 मिली एम्पियर था, 5 टाइम्स कर लें 20 मिली एम्पियर यहां से करंट जा रही होगी. ये देखें ये 20 मिली एम्पियर करंट आ गई इसमें. फिर यहां पे टोटल करंट कितनी हो जाएगी आर एस के थ्रू, ये वाली करंट, तो ये करंट हो जाएगी. दोनों को जोड़ दें तो 4 + 20 इज 24 मिली एम्पियर ये वाली करंट. पोटेंशियल क्लियर है कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस क्या होगा, 10 में से आप 6 घटा दो तो कितना बचाइए 4 वोल्ट. तो 4 वोल्ट इस पे पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस आप जानते हो आ जाएगा. तो रेजिस्टेंस जो है इस पोटेंशियल को एम्पियर से ये करंट से डिवाइड कर दे रहे हैं. तो ये अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दिया गया तो ओम में आएगा, नहीं तो किलो ओम में आ जाता डायरेक्ट, ठीक. तो ये आंसर हो जाएगा इसका 167 ओम. डायोड के कितने तरीके के फंक्शनिंग हमने देख ली, दो तरीके की, एक तो वाल्व सिंपल और एक जीनर एक्शन, जीनर डायोड, दो एक्शन हो देगा. कुछ और देखें डायोड के यूजेस बेहतर. डायोड बहुत यूजफुल डिवाइस है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस. इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको चाहिए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है. ये कैसे डायोड होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है. ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो यूज ही हो रहा है. और ऑप्टो का मतलब है लाइट से, ऑप्टिक्स से, है ना. तो लाइट, तो ऐसे डायोड जिनके साथ लाइट का कोई संबंध होगा, है ना, लाइट से वो परफॉर्म करते होंगे या लाइट को वो इमिट करते होंगे. एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसी में एक कैटेगरी आती है, इसी में वो भी देखना है हम लोगों को. और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं डायोड, जरा मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूँ, उसके 3 है. तो फिर हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं. देखें, एक तो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड, वो जो लाइट क्रिएट करता है ना. आप आजकल तो एलईडीज पे ही वो झालर वालर जो आती हैं और जो और वो एलईडीज वाले हैं, तो वो बहुत सेफ होता है. असल में क्या होता है, फ्यूज नहीं होता जल्दी,
है ना, वो अगर मान ले फिलामेंट वाला होता है ना बल्ब जैसे पहले आते थे, तो वो फ्यूज हो जाते थे, तो उसमें अगर एक फ्यूज हुआ तो पूरा वो पूरी झालर बेकार हो जाती थी। अब ये फ्यूज आसानी से नहीं होता है। एलईडीज, एलईडी टॉर्च आ रही हैं, एलईडीज अब तो सब एलईडी लाइट आने लगी, क्योंकि इसमें क्या होता है एनर्जी बहुत सेफ होती है, कम कम वोल्टेज पे, कम एनर्जी पे, वोल्टेज नहीं कम एनर्जी पे वो बहुत ज्यादा वो लाइट क्रिएट करता है, वो हाई इंटेंसिटी की लाइट वो सेफ रखता है। असल में बल्ब जब आप इस्तेमाल करते थे तो उसमें गर्म हो जाता है, वो जितनी हीट जो है क्रिएट होती है एक्स्ट्रा वो तो वेस्ट हो जाती है ना। आप देखें एलईडीज जो होती है ना वो गर्म नहीं होती है जल्दी, तो मैक्सिमम एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसमें, है ना, तो वो काफी इकोनॉमिकल ये डिवाइसेस हैं। खैर देखते हैं, एलईडी ये हुआ, और ये देखें ये एक है फोटोडायोड, फोटोडायोड की फंक्शन ये बताएंगे, और एक और होता है वो है सोलर सेल, सोलर एनर्जी से करंट क्रिएट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करना। तो ये देखें ये तीन बातें कैसे ये फंक्शनिंग होती है, जरा देख इसमें से एक एलईडी पहले देखते हैं। देखें लाइट इमिटिंग डायोड इसे बोलते हैं, इसमें होता क्या देखें फंक्शन, इट इज अ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये याद रखना है। हेवली डोप्ड, इसमें जो ये जो पीएन जंक्शन जो सेमी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं इसमें हैवी डोपिंग करते हैं, स्पेशली वो पीपीएम में चल रहा था तो वहां पे कम डोपिंग कर रहे थे हम लोग वो डायोड बनाने में, लेकिन इसमें हैवी डोपिंग करते हैं काफी ज्यादा, कारण उसका मैं बताता हूँ। और दूसरी बात, ये जब यूज होता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में यूज होता है, ये देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल सेल लगाया गया ये, ठीक है। अब देखें इसमें परफॉर्मेंस होती क्या है, ऐसी देखें उसमें क्या होगा कि जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो आप जानते हो कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर वीक पड़ती है, ठीक, तो यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इधर से जैसे पॉजिटिव टाइप है तो ऐसे जाना शुरू कर दिया नेगेटिव की तरफ ऐसे, और उधर से वो नेगेटिव वाले इधर आने लगेंगे और डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन होता है जबरदस्त, तो यहाँ करंट फ्लो करने लगती है, इतना एक्शन तो हम लोग जानते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जितना डिफ्यूजन हुआ पूरा फ्लो कर जाता है ऐसे, तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे थे वो सिर्फ करंट को क्रिएट करने में उनका काम हो रहा था, वो सिर्फ उसी में लगे हुए थे करंट क्रिएट करने में। अच्छा, अब हुआ क्या इस बार कि यहाँ पे हैवी डोपिंग कर दी गई, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया काफी ज्यादा। बढ़ाने से क्या होता है कि वो मेजॉरिटी कैरियर जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो पूरा का पूरे मेजॉरिटी कैरियर्स इस करंट को क्रिएट करने में इस्तेमाल नहीं हो पाते कंसंट्रेशन ज्यादा होने से। तो अगर वो इस्तेमाल पूरे नहीं हो पाएंगे तो उसमें से तो कुछ हिस्सा तो करंट क्रिएट करेगा और कुछ हिस्सा जो नहीं क्रिएट कर पाया वो क्या करेगा, जब यहां से इसमें एंटर कर जाएगा तो इसमें अपोजिट कैरियर बैठे हुए हैं, यहां से होल्स हुए यहां पे वो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा ज्वाइन हो जाएंगे, अगर वो ज्वाइन हो गए तो बॉन्ड क्रिएट करेंगे और बॉन्ड क्रिएट किए तो लो एनर्जी हो गई। ऐसे तो फ्री थे ना, हाई एनर्जी याद करें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अभी ये मेजॉरिटी कैरियर कहां है कंडक्शन बैंड में, मान ले चले इलेक्ट्रॉन या किसी का भी ले लो फ्री है, फ्री मतलब बॉन्डिंग में नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर मान ले जैसे इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करो, अभी फ्री है डिफ्यूजन करंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी कम हो जाए वो रुक जाए किसी तरीके से तो क्या होगा, वो वापस वैलेंस बैंड में तो बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो जब एनर्जी कम होने लगती है तो वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो होता क्या है कि यहां पे सारे यूज नहीं हो पाए, तो उसमें जो कंसंट्रेशन यूज नहीं हो पाया आगे नहीं बढ़ पाया वो यहां पे आया तो रुका, रुका तो वो यहां पे मौजूद जो अपोजिट चार्जेस थे उनके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से बॉन्ड क्रिएट किया और बॉन्ड होती है लो एनर्जी, तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी, ऊपर से नीचे आना एनर्जी का रिलीज होना। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एनर्जी दे रहे थे, अब इसमें एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी जब रिलीज होती है तो फोटॉन्स के फॉर्म में अगर निकलती है ऐसे, यहाँ पे फोटॉन के फॉर्म में निकलेगी ऐसे तो वही लाइट क्रिएट करती है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि लाइट क्रिएट करने में वो जो एनर्जी होनी चाहिए है ना, जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो उस रेंज की होनी चाहिए जो विजिबल रेंज की हो। आसान है, उसमें तो भाई अल्ट्रा वायलेट भी होता है इंफ्रारेड भी होता है, विजिबल रीजन अब हमें लाइट क्रिएट करना है ना यहाँ पे तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है जो सेमी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उनको भी, वो नहीं कि जर्मेनियम सिलिकॉन इस्तेमाल कर लिया, उसमें ये देखना पड़ता है कि जो एनर्जी गैप है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे जो एनर्जी रिलीज हो वो विजिबल रीजन की हो, तो उस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है।
तो अब ध्यान आया इसमें क्यों क्यों फॉरवर्ड बायसिंग की गई, यही सब पूछा जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग क्यों की गई, क्योंकि फ्लो तो करवाना था, अब फ्लो करवा के इधर से इधर को चार्ज ले जाना था, और उसमें हैवी डोपिंग क्यों गई, इसलिए कि उसमें सारे जो है करंट के लिए ना इस्तेमाल हो जाए, कुछ ऐसे हो जो रुक जाए और जो बॉन्ड को फिर से क्रिएट कर पाए अपने अपोजिट चार्ज के साथ। तो इधर से होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आके अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो बॉन्ड क्रिएट करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, और एनर्जी जो है विजिबल रीजन में होनी चाहिए। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेमीकंडक्टर्स होंगे एक्सट्रिंसिक या सेमीकंडक्टर जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो फंक्शनिंग ये है, बात ये सब लिखी हुई है इसमें, तो खैर जो भी है ये देखें फंक्शनिंग हम दिखा देते हैं आपको जरा सा, जिससे याद रहे आपको। उसमें यह है, ये देखें हैवी डोपिंग है, हैवी डॉपिंग दिखाई गई, तो इसमें ये होगा कि चलें इसमें से काफी तो करंट में क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ उनको दिखा रहा हूँ जो कंबाइन करते हैं उनको, तो उनका परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जैसे अब डिप्लीशन लेयर ये तो वीक पड़ेगी, तो फ्लो होगा, तो फ्लो हुआ जैसे मान लें इसमें ये उनको दिखा रहे हैं जो जाके वहां पे कंबाइन करके बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें जैसे ये जाएगा ना ऐसे, ये देखें उधर, ये देखें लाइट क्रिएट, इधर से जैसे आई ये लाइट क्रिएट, ये चीज हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इधर से ये गया, होल्स गए, उधर से बॉन्डिंग हुई, एनर्जी में बदल गया, एनर्जी यहां से रिलीज हो गई। अच्छा वो गायब क्यों हो जा रहे हैं, वो बॉन्ड में चले गए ना, तो फ्री तो रहे नहीं वो, तो उनको नहीं दिखाएंगे हम, एजार्डिक कैरियर्स को दिखाते हैं, ये क्रिएट हुआ, ये फंक्शनिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग हुई, डिप्लीशन लेयर वीक पड़ी जिससे ये जा सकते हैं आसानी से, हैवी डोपिंग है, इन्होंने लाइट क्रिएट कर दिया। कुछ पॉइंट्स हैं इस पे ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स आर स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप ड्यू टू सम लॉसेस। बात ये हुई कि वो जो एनर्जी गैप है, इमिशन तो उतना ही होना चाहिए जैसे वापस आए बॉन्ड बना, तो वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो रिलीज होते वक्त है ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो फिर इसमें यह है कि वो जो फोटॉन्स मिलेंगे वो पूरे एनर्जी के नहीं मिलते हैं, कुछ लॉसेस के बाद जो फोटॉन्स मिलेंगे वो एनर्जी गैप से थोड़े से कम वैल्यू के मिलेंगे, एक तो ये ध्यान रखिएगा। और फॉर विजिबल लाइट सेमीकंडक्टर्स यूज्ड शुड हैव बैंड गैप, या ध्यान दीजिए वही ईजी है ना, कितना होना चाहिए, फ्रॉम अबाउट इस रेंज का होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस रेंज में नहीं है एनर्जी गैप है ना, तो फिर विजिबल लाइट नहीं क्रिएट होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कैसे होगा, तो ये सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करेगा, उनकी प्रॉपर्टी है ये, तो कैसे बने होंगे सेमीकंडक्टर, तो एलईडी मे बी मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड्स लाइक, ये बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, ये याद कर लीजिएगा, ये वो नहीं है जर्मेनियम और ये सिलिकॉन इस तरीके से, ये डिफरेंट है, ठीक है, इनको याद करना है एलईडी के लिए। ये भी कारण भी लिखा है देखें, क्यों नहीं जर्मेनियम और सिलिकॉन क्यों नहीं, कैन नॉट बी यूज टू मेक एलईडीज बिकॉज देयर एनर्जी गैप इज टू लेस, ये बहुत कम एनर्जी गैप है, अगर ये यूज करेंगे ना तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी उसमें एनर्जी बहुत कम होने से वो आप समझ लें कि इंफ्रारेड में चला जाएगा, कम एनर्जी का मतलब इंफ्रारेड चला जाएगा, तो विजिबल नहीं होगा वो, इसलिए इनको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलईडीज, जे मेन का क्वेश्चन, कभी मान ले जैसे ग्राफ आपने नहीं पढ़ा, एकदम से कोई ग्राफ आ गया तो कोई रटना थोड़ी, आपको देख के बता सकते हो, अगर मान ले ये एलईडी का ग्राफ बन रहा है तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो, क्यों ये उसका रीजन क्या है देखें। यस करेक्ट, सबसे पहले आप देखें कि फंक्शनिंग कैसे होती है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फॉरवर्ड बायसिंग में देखें ये तो है ही नहीं जंक्शन का, ये पीएन जंक्शन का ग्राफ ये तो है ही नहीं क्योंकि ये वेरिएशन ले रहा है ऐसे, तो ये तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। ये अगर ग्राफ आप देखेंगे तो ये रिवर्स बायसिंग में नहीं होता इसका काम, ये हो ही नहीं सकता, ये भी ग्राफ नहीं हो सकता, गलत है। देखें या तो फॉरवर्ड का होगा या रिवर्स का होगा, तो रिवर्स में तो काम करता नहीं है ये, और ये तो गलत है, दोनों होते ही नहीं, पीएन जंक्शन के ये ग्राफ ही नहीं होते, तो या तो ये हो सकता है या ये ग्राफ हो सकता है, तो ये रिवर्स है ये फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक, तो इसका इस्तेमाल होगा
मतलब ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये वाला ग्राफ होगा। अब इसमें अगर कलर्स की बात करें तो वो एक सिंपल सी बात है, ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा होती है रेड के कंपैरिजन में, तो ब्लू कलर जो है वो हाई वोल्टेज पे मिलेगा, हाई एनर्जी पे मिलेगा, रेड कलर जो है वो लो एनर्जी पे मिलेगा, इसलिए कहा गया है इसमें। तो ये ऐसे इस तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन आप सिर्फ इतने से ही बता सकते थे कि फॉरवर्ड बायसिंग का ये ग्राफ है, ये होना चाहिए। ठीक, सोलर सेल की फंक्शनिंग देखें, अ सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल बायस। ये देखें इसमें कैसे यूज हो रहा है पीएन जंक्शन, ये जब यूज किया जाएगा तो इसमें जो सर्किट बनाया गया है उसमें देखें बायसिंग नहीं है, उसमें सेल नहीं लगाया जा रहा है। सोर्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि अब ये खुद सोर्स बनने वाला है, ये खुद सेल बनेगा, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए नहीं इसमें। तो इसमें है क्या कि ये एक सेल बनने वाला है जो एनर्जी देगा और यहाँ पे लोड पे हमें वो एनर्जी मिलेगी, तो इसी को सेल बना देना है। अब सेल कैसे बनेगा ये देखें, इसमें ये है कि यहाँ पे जो डेप्लीशन लेयर है भाई, इसमें करंट ही तो फ्लो करवानी है ना, तो अगर मान लें आप एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रहे हो तो एक करंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे है, वो इस तरीके से देखें कि जब यहां से फोटॉन्स गिरेंगे, है ना, यहां पे फोटॉन्स गिरेंगे तो इनकी एनर्जी इतनी रखिए कि इसमें जो बॉन्ड है डेप्लीशन लेयर पे, है ना, बॉन्ड वो ब्रेक हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, एनर्जी अगर हम दे दे बॉन्ड को बाहर से तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो यहां से जब ये फोटॉन्स गिरे तो इन्होंने बॉन्ड को ब्रेक किया, और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे जो होल है वो उस तरफ भागेगा, ये चलाएगा ना, ये वही ड्रिफ्ट करंट, एक तरह से ड्रिफ्ट करंट क्रिएट हुई, तो अंदर जो करंट क्रिएट होती है डिप्रेशन लेयर के अंदर वो ड्रिफ्ट होती है, तो ये बेसिकली ड्रिफ्ट करंट क्रिएट करने वाले हैं एक्स्ट्रा। वैसे तो ड्रिफ्ट करंट जो होगी वो बहुत हल्की सी होती है, नेग्लेजिबल होती है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आप देके यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, और वो जब ड्रिफ्ट करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही होगी तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, है ना, तो करंट मिलने लगी। लेकिन करंट कैसे मिली, करंट तो तभी मिलेगी ना, एनर्जी तभी मिलेगी जब बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, यहाँ पे एनर्जी आपने गिराई फोटॉन्स के फॉर्म में। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि एक तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, जैसे बोल्ड में लिख दिया है हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, इस बात इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि एक्सटर्नल बायसिंग इसमें नहीं रखनी है क्योंकि ये खुद सेल बनने वाला है, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें देखें, एक चीज आ रही है कि द जंक्शन एरिया इज केप्ट, द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट गेट मोर पावर। कहने का मतलब है कि ये असल में डिप्लीशन लेयर पे गिराना है ना, ये जंक्शन होता है यहाँ पे, तो इसको ज्यादा बड़ा रखना है, बड़ा रखने का मतलब है कि जिससे मैक्सिमम फोटॉन्स को ये रिसीव कर पाए। तो फोटॉन्स जितने ज्यादा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ये रिसीव करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी, उतना ही ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। इसमें वो फंक्शनिंग ही दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जनरेशन ऑफ ईएच पेयर, मतलब वही पेयर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल, टेक्स प्लेस ड्यू टू लाइट विद एच न्यू ग्रेटर देन एच जी पी जी। क्यों यार, फोटॉन्स ऐसा होता है, वही है, लॉसेस कुछ होंगे ना, तो मान लें जैसे अब बैंड, वो जो बैंड गैप है ई जी, उतनी एनर्जी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो उतने एनर्जी का फोटॉन गिराओगे, हो सकता है मान लें उतने ही एनर्जी का फोटॉन गिरा रहे हो ब्रेक करने के लिए और उसमें कुछ लॉसेज आ रहे हैं तो फोटॉन ब्रेक ही नहीं कर पाएगा अगर लॉसेस हो गए तो ब्रेक करना बहुत जरूरी है ना बॉन्ड को, तो बेहतर है कि बॉन्ड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा एनर्जी आप दो, है ना, जिससे लॉसेस को कंपनसेट करके भी वो ब्रेक कर पाए। तो इसीलिए फोटॉन्स जो गिराएंगे ना वो इससे ज्यादा एनर्जी का, एनर्जी गैप से, ये है, ठीक है। बाकी तो बात वही है कि अब इसमें ये लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही, वही जो डिप्लीशन लेयर में जो फील्ड है वो क्या करेगी, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों को सेपरेट करके निकालेगा, तभी तो ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड, ओके, ठीक। अब देखें यहां पे ये जो फिगर आ रही है इसमें एक बात दिखी होगी, ये देखें एक लिखा हुआ है फोटो ईएमएफ। अब ये फोटो ईएमएफ का क्या मतलब है, ये सेल बन गया, अब ये खुद सेल बन गया
यहां से करंट प्रोड्यूस होने लगी, ये सेल बन गया, तो इसकी ईएमएफ को फोटो ईएमएफ बोलने लगते हैं। फोटो ईएमएफ क्यों? फोटॉन्स से क्रिएटेड ईएमएफ, ठीक है, फोटो ईएमएफ बोलते हैं। फंक्शनिंग देखें, इसके फंक्शनिंग ऐसे हो रही है यहाँ पे कि ये बायसिंग नहीं है, इसमें सिंपल है सर्किट बनाया हुआ। तो यहाँ पे फोटॉन्स जब गिरेंगे तो ये होगा। आप देखें फोटॉन्स गिरे, वहां पे पेयर प्रोडक्शन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुए, ये देखें करंट प्रोड्यूस हो गई, ये हो रहा है, ये फंक्शनिंग, ठीक है ना। अब सोलर सेल बन गया, तो सोलर एनर्जी जो होती है, जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसको यूज कर लेते हैं ऐसे। इसमें जरा देखें कुछ बातें, देखें therefore P side becomes positive and N side becomes negative giving rise to photovoltaic called photo EMF depends on intensity of light। ये देखें हुआ क्या है कि जब यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन हुआ है, असल में जब सेल आप डिफाइन कर रहे हो तो उसकी पोलरिटी भी तो डिफाइन करोगे, और पोलरिटी कैसे, आप देखो करंट इधर से जा रही है ऐसे, तो पोलरिटी जो है इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर निगेटिव हो ही गया है। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो होल्स इधर आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो नेचुरली ये क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर, एक्स्ट्रा चार्ज चले गए है ना, वैसे तो न्यूट्रल होता है, एक्स्ट्रा चार्ज चले गए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, नतीजा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, करंट ये क्रिएट हो गया। कौन से सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं इसको बनाने के लिए, तो उसमें ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप क्लोज टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रेंज याद रखिएगा हर एक के लिए, ठीक है। लाइक सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, इनका इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। एंड हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन आर जनरली यूज फॉर सोलर सेल, ये क्यों लिखा हुआ है हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ऑप्टिकल तो कैसे ये एनर्जी क्रिएट करेगा, तो कुछ ऐसा होना चाहिए इंतजाम यहाँ पे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो तभी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो पाएंगे, ये रिक्वायरमेंट्स याद जरूर रखिएगा इसे, ठीक। एक ये करेक्टरिस्टिक है इसकी, मतलब ग्राफ सोलर सेल पे, वो ये ग्राफ है, ये कैसे काम कर रहा है देखें, यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें लिखा हुआ है आईवी करेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल इज ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो ग्राफ है ना इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज बिकॉज अ सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट बट सप्लाइज द सेम टू द लोड करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में तो है ही, लेकिन आप ध्यान दो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं इस पे, तो हम लोग यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग का बना रहे थे, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग, ये फॉरवर्ड और रिवर्स का कब बनाएंगे, जब बाहर से सेल लगाएंगे ना, तो ये बाहर से सेल तो लग नहीं रहा है, तो फिर ग्राफ इसमें इसमें नहीं आएगा, ग्राफ का क्वाड्रेंट डिफरेंट होता है, ये नहीं बल्कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, और इसमें जो वोल्टेज ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज इसका नहीं है, ये वोल्टेज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस उस पे आने वाला वोल्टेज ये दिखाया जा रहा है, ये वी, तो ये वी और आई ग्राफ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, ये है वी, यहाँ पे जो भी है वो ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा हुआ है, क्यों ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा हुआ है वो ये देखें, एक चीज और देखिएगा, जब ये ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा हुआ है तो इस पॉइंट पे करंट क्या है, जीरो, ओपन सर्किट होगा तो करंट तो जीरो हो ही जाएगी, ये ऐसे बताया गया है कि यहाँ पे आप सर्किट को ओपन कर दो, मत लगाओ इसे, कट कर दो, कट कर दोगे तो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, ये वाला मिलेगा, पूरा पूरा पूरी वोल्टेज ही मिलेगी, तो वही वोल्टेज ही दिखाया जा रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज है ना, मैक्सिमम वोल्टेज, लेकिन इस समय करंट पास नहीं हो रही होगी, तो यही कहते हैं इस वोल्टेज को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ओके। अब क्या हुआ, जब इसे आप जोड़ोगे है ना, तो करंट पास होनी शुरू होगी, तो करंट अब डिफाइंड होनी शुरू होगी, चूंकि रिवर्स करंट है तो पॉजिटिव साइड नहीं नेगेटिव साइड में, तो जैसे जैसे करंट डेवलप होगी, ये देखिए पोटेंशियल ये घटना शुरू हुआ, और यहां पे आके यहां पोटेंशियल आप देखो जीरो कब हो गया, जीरो होने पे करंट क्या हो गई, मैक्सिमम। ये क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीजन है कि चूंकि ये वाला पोटेंशियल है ना, जैसे जैसे आप इसका रेजिस्टेंस घटाना शुरू करोगे तभी तो करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटाओगे करंट बढ़ेगी, और ध्यान दें ये घटाते घटाते आप इसे पूरा कंडक्टिंग बना दें, रेजिस्टेंस आप खत्म कर दो है ना, करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है ना, अगर कंडक्टिंग हो गया ना तो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा,
है ना, तो यहाँ पे यही ग्राफ इसके लिए बनाया गया है। तो उसमें ये है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस से घटाते जाएंगे करंट यहाँ पे बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाएगा यहाँ पे, और जब ये हाई कंडक्टिंग हो जाएगा, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो उस समय पोटेंशियल जीरो डिफाइंड हो गया यहाँ पे। तो ये ग्राफ याद कर लीजिएगा ऐसे। ये है देखें लिखा हुआ शॉर्ट सर्किटेड करंट, क्यों लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट? अरे यार जब यहाँ पे आप कंडक्टर बना देंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई तो पोटेंशियल जो है वहां पे जीरो डिफाइंड हो गया, करंट मैक्सिमम। ये चीज है, तो ये ग्राफ याद करिएगा बस, ठीक है। ओके, ये डिस्कस हो गया। क्वेश्चन था सीबीएसई में, देखें ये सीधे ग्राफ पहचानने का क्वेश्चन। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल, ठीक है, वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट करंट। सीधे से लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। फाइनली फोटोडायोड, ये क्या होता है देखें। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फोटोडायोड इज वेरी मच सिमिलर टू फोटोसेल, बट विद डिफरेंस दैट इट वर्क्स विद रिवर्स बायस्ड एक्सटर्नल सोर्स। देखें यहां पे अभी हम लोगों ने फोटोसेल पढ़ा है ना, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो है सोलर सेल पढ़ा, तो उसमें ये फोटॉन्स ऐसे गिराए जाते थे, तो यहाँ पे ये पेयर प्रोडक्शन होता था, उससे करंट प्रोड्यूस होती थी और ये एक्सटर्नल सर्किट में लोड में करंट मिलती थी। कुछ उसी तरह का ये भी है, तो उसी प्रिंसिपल से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक एक्सटर्नल सोर्स भी लगा दिया गया है ना, और वो भी देखें रिवर्स बायसिंग, तो इसमें दोनों सेल बन गए, ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा और ये भी, लेकिन ये फर्क है इसमें, इसके कारण यहां पे एक छोटी सी करंट, कौन सी, ड्रिफ्ट करंट, वो हमेशा चलती रहेगी, बहुत माइन्यूट, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस है यहां पे, वो जरा सी करंट होगी वो चलती रहेगी, और ये तब बनेगा सेल जब इससे फोटॉन्स गिरेंगे। पहली बात इसका यूज देखें, इसका यूज ये होता है फोटोडायोड का, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है एक ऐसे डिवाइस के लिए, डिवाइस की तरह जो जो लाइट इमिशन होता है ना, या लाइट जो गिर रही है कहीं से आ रही है लाइट, उसको ये चेक करता है। चेक करने का मतलब यह है कि वो कितना सेंसिटिव लाइट है, कितनी हाई इंटेंसिटी है, कितनी लो इंटेंसिटी की, वो इसे डिटेक्ट कर लेता है। तो लाइट डिटेक्टर की तरह है ये, लाइट डिटेक्टर, लाई नहीं, तो लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है ये, है तो उस पर लाइट जब गिर रही है तो उसमें ये डिटेक्ट कर लेता है कि लाइट आ रही है वो किस इंटेंसिटी की है, बहुत हल्की इंटेंसिटी की भी लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और ज्यादा इंटेंसिटी की भी लाइट को। तो वो कैसे होता है, तो जब ये फोटॉन्स यहाँ पे गिरते हैं तो जब जब फोटॉन्स गिरेंगे यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन होगा, एक करंट क्रिएट होगी, और वो करंट इस करंट को, है ना, इस करंट पे इफेक्ट डालेगी, कैसे, सपोर्ट करेगी, है ना, उसी डायरेक्शन करंट। तो क्या होगा कि ये करंट, वैसे तो कॉन्स्टेंट करंट एक बह रही है इसमें, लेकिन जब जब ये यहां पे पेयर प्रोडक्शन होगा तब तब ये करंट बढ़ जाएगी। तो जब जब ये करंट यहां बढ़ेगी तो यहां पे अगर मान लें कोई एमीटर लगा देते हैं तो उसमें तुरंत करंट को वो मेजर कर लेगा, तो पता चलेगा यह करंट बढ़ गई, इसका मतलब यहां लाइट गिर रही है। अगर ज्यादा लाइट गिर रही है तो ज्यादा करंट बढ़ेगी उसमें, कम लाइट गिर रही है तो कम करंट आएगी उसमें, नहीं गिर रही है तो कॉन्स्टेंट करंट बहती रहेगी उसमें, ठीक है। इस तरीके से इसे यूज करते हैं, तो देखें इसकी परफॉर्मेंस बात है, ये वही बात जो मैंने बोला है उसको यहाँ पे लिखा जा रहा है। और ये देखें, करंट चेंजेस विद चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन इट, ये करंट जैसी इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है उसी हिसाब से इसमें चेंजेस मिलेंगे इस करंट में। तो फोटोडायोड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स, जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, लाइट सिग्नल्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। परफॉर्म कैसे होती है ये देखें, रिवर्स बायसिंग है। अब इसमें होगा क्या कि एक करंट यहाँ पे चल रही होगी, ड्रिफ्ट करंट हल्की सी इस सर्किट में। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे लाइट गिरेगा तो होगा क्या, देखें ये लाइट गिरे, ये एक्स्ट्रा करंट, ये देखें एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हो गई, ये वाली डेल्टा ही लिख रहे हैं ना, ये डिफरेंस हो गया, ये एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हो गई है।
तो वही है कि जब लाइट इस पे गिरेगी ना तब होगा ऐसा। ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है ऐसा। अब पीएन फोटोडायोड इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद अ बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इज नियरली। बहुत स्पष्ट सी बात है, इसमें ये फोटोडायोड है वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, है? क्यों? क्योंकि इतना देखिए बैंड गैप है, इसी को तो ब्रेक करना है, है ना। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो फोटॉन्स हम गिराएंगे कम से कम इतनी एनर्जी तो दे, इससे ज्यादा होनी चाहिए वैसे, लेकिन इसमें मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें कह रहे हैं कि बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं, वो फोटॉन्स की एनर्जी कैसे लिखते हैं, एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी से डिफाइंड होता है, तो उसमें उस फ्रीक्वेंसी से ही पहचान होती है फोटोन की। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस पे गिराया जाए, है ना। तो सीधी सी बात है, जो फोटोन की एनर्जी है अगर कम से कम पूछ रहे हैं तो कम से कम इसके इक्वल हो जाए, तो इक्वल कर दो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। वो एनर्जी को इक्वेट करना है, इसको सॉल्व करने में ईच इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे न्यू इज फ्रीक्वेंसी इज ई अपॉन एच, ई जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और ये प्लैंक कॉन्स्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू वैसे दे देते हैं, है ना, अगर याद है बेहतर है आपको, यहाँ पे रखें और ये देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लेना है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू रख दी है चार्ज की, इससे जूल में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। और यहाँ से ये देखें ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी गई, ये वैल्यू आ रही है इतने हर्ट्ज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ है, फोटोडायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायसिंग में था। अब देखिए रिवर्स बायसिंग में ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा ग्राफ दिखा रहे हैं आप ध्यान दो, उसमें जो करंट बह रही थी वो ड्रिफ्ट करंट बह रही थी रिवर्स बायसिंग में, तो ये करंट थी। अब उसी करंट में तो प्रभाव आ रहा है, जब जब फोटॉन्स उस पर गिराए जा रहे हैं, इंटेंसिटी जब गिर रही है तो वो ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है, तो ये देखिए बढ़ना है उसका, तो वही दिखा रहे हैं कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ ये देखें ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जा रही है। तो ये रिवर्स बायसिंग में ग्राफ होगा और इंटेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट करंट के बढ़ने वाला, ये ग्राफ दिमाग में रखिए, ठीक है। तो लिख के आ रही है फाइनली इसमें कि ड्यू टू पेयर प्रोडक्शन बाय इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर इज मच लार्जर देन द मेजॉरिटी कैरियर्स, हेंस द रिवर्स बायस करंट is much affected by slight change in illumination, hence light is easily detected। कहने का मतलब यह है, एक क्वेश्चन और आता है इसमें पूछते हैं कि क्यों नहीं इसे फॉरवर्ड बायसिंग में रखा गया। भाई यही तो था, करंट एक बह रही है उसमें करंट में चेंजेस जो हुए उसको डिटेक्ट करना है। तो अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में भी रखेंगे इसे तब भी तो बात वही है कि फॉरवर्ड बायसिंग में बस ये डिफ्यूजन करंट बहेगी, और एक फर्क और होगा कि यहां से जब लाइट हम गिराएंगे तो ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होगी तो घटेगी, क्योंकि डिफ्यूजन करंट तो ऐसे फ्लो होना है और ड्रिफ्ट करंट का इस तरफ से फ्लो होना है, तो ये घटा दिया करेगा। तो डिफ्यूजन करंट को ये घटाया करेगा, ड्रिफ्ट करंट को ये बढ़ाता है, तो दोनों से तो देखा जाए तो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग ये क्यों, उसका रीजन ये है कि जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ये लाइट जब गिरती है यहाँ पे तो उससे जो वेरिएशन होता है करंट में, जो क्रिएट होती है करंट, वो बहुत कम वैल्यू की होती है, जैसे वो माइक्रो एम्पियर में क्रिएट हुई। अब आप सोचो कि जो चेंजेस हैं वो एप्रिसिएबल कब होंगे, जब जो मेन करंट है वो भी कम वैल्यू की हो। अब आप ये देखो ध्यान दो कि अगर डिफ्यूजन करंट हम क्रिएट करें तो मिली एम्पियर में चलेगी, वो मिली एम्पियर में चलेगी। अब मिली एम्पियर में करंट चल रही है, उसमें वेरिएशन हो रहे हैं माइक्रो एम्पियर के, पता ही नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। उसमें देखें 1000, आप सोचो ऐसे कि 1000 वैल्यू की करंट जा रही है और उसमें 1 या 2 वैल्यू का वेरिएशन हो रहा है, वो एप्रिसिएबल नहीं हो पाता है। तो बेहतर है कि जो मेन करंट है उसे कम रखा जाए। अगर वो भी माइक्रो एम्पियर में चले जैसे डिफ करंट है ना, तो उसमें वेरिएशन, जब जैसे मान लें 1000 में 1 और 2 पता नहीं चल रहा है, लेकिन 10 में 1 और 2 पता चलेगा, वो एप्रिसिएबल हो जाएगा। तो कम वैल्यू पे जो वेरिएशन होंगे कम, वो एप्रिसिएबल हो जाते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन वही ज्यादा वैल्यू पे वही वेरिएशन जो होंगे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, बेहतर तरीके से। इसीलिए इसे रिवर्स बायसिंग में रखते हैं।
ये रीजन होता है इसका, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज गिवन बिलो इन ऑर्डर। तो इसमें आप देखो ये जो ये ग्राफ हैं इनको पहचानना, इसमें नाम दिया हुआ है सबका कौन सा केस है, तो देखना शुरू करें। यही पहला वाला ही चेक करें, जैसे सिंपल डायोड, सिंपल का मतलब है जो सीधे वाल्व की तरह काम करे, है ना, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। जीना डायोड, जीना डायोड में ये रिवर्स बायसिंग, ये हो गया। ठीक है, सोलर सेल, ये तो क्लियर है, ये अजी ग्राफ पढ़ा हम लोगों ने वो, है ना, तो ठीक है ये याद है ना। ठीक है, सेल, और ये जो है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है लाइट डिपेंडेंट, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ ग्राफ दिया है तो आप पहचान लो इसमें क्या है, खुद ही लिख दिया इन्होंने इसमें रेजिस्टेंस लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा है, तो ये तो होगा ना रेजिस्टेंस के लिए। और वो असल में चार ऑप्शंस बनाने होते हैं ना, चार केसेस, तो उसमें लिख देते हैं वो कुछ, तीन चार फोर्थ के लिए कर दिया उसमें, तो उसमें फोर केसेस बनाने, तो एक बना दिया, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसी को मेन पहचानना है आपको जो आपने पढ़ा है। तो यही हो गया, पहला ही हो गया ये ऑप्शन।